नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज यूपीपीएससी का पेपर आप लोगों का बहुत 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 अच्छा गया था, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने जो क्लासेज लगाई थी आप लोगों के लिए, जो मॉडल पेपर कंडक्ट करवाए थे, जो क्रेश कोर्स करवाया था, मैक्सिमम पेपर कवर करके दिखाया। जी हाँ, उत्कर्ष परिवार ने जो आपसे वादा किया था, आपका विश्वास जीता था, उस विश्वास पे खरे उतरने की पूर्ण कोशिश की। जी हाँ, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। जी हां, वो कर दिखाया जो आप लोगों को बोला था, जो वादे किए थे, जो निभाने का बोला था, वो सारी चीजें कर दिखाई। जी हां, आप सभी लोगों का आई होप पेपर बहुत बहुत अच्छा गया होगा। उसी पेपर के सॉल्यूशन को डील करेंगे आज की क्लास के अंदर, कि एक्चुअल में क्या उत्तर होने चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से डील कर लिया था, क्योंकि सारे टॉपिक पढ़ रखे थे, सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखे थे, फिर भी उनके सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की, और सेशन क्या रहेगा, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जो किसका पेपर देके आया है, यूपीपीएससी का। जी हां, यूपीपीएससी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा गया ना पेपर, अब तो खुश होना। मैंने बोला था जब भी सेंटर से निकलोगे अगर अच्छी सी स्माइल के साथ निकल के आओगे, और वही हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोगों की मेहनत है। जी हां, आप लोगों का स्ट्रगल, जो आप लोगों का माता पिता के विश्वास, उनके जो सपने हैं उनको याद करके जो आपने पेपर दिया है, वो आपका सफल होगा डियर। तो आप कतई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर देने का काम अपना था वो अपन दे आए। मेरिट क्या रहती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, रिजल्ट कब आता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। आज ये खुशी का पल है, इसको खुशी से जीना है, क्योंकि पेपर दे करके अपन आ चुके हैं, मौज कर दी बेटा जी। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था पेपर के अंदर, नर्सिंग के सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं डियर। पहला क्वेश्चन बोले तो नर्सिंग आपको 51 नंबर से देखने को मिली थी। आई होप किसी की बुकलेट बी होगी, सी होगी, डी होगी, उसमें कोई चेंजेज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप सबको देखने को मिला होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है उसमें 51 नंबर क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आया था डियर। चलेगा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द मदर ब्रेस्ट। मदर के ब्रेस्ट के अंदर किसके बारे में पूछा, मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, इस वर्ड का। ये क्वेश्चन अपन ने डील किया था दोस्तों। क्या जवाब गया था, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या था, प्रोलैक्टिन। जी हां, प्रोलैक्टिन करेक्ट आंसर गया था, बाकी ए बी ए सी ओ डी नहीं थे। कमेंट भी करते रहना साथ साथ में, ताकि पता चलता जाए कि आप क्या आंसर करके आए और मैं आप लोगों को क्या जवाब बता रहा हूं। क्लियर है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए डियर, क्योंकि जो बोला था कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं किया, आप लोगों ने मेहनत किया थी, आप लोगों ने स्ट्रगल किया था, उसी का परिणाम पेपर अच्छा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एसोसिएट विद द जुनाइल डेलिक्वेंट्स। जी हां, कौन सा शब्द है जो जुनाइल डेलिक्वेंट के साथ संबंध नहीं रखता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है साल्टर होम, दूसरा बोल रहा है रिफॉर्मेटिव स्कूल, तीसरा बोल रहा है ब्रोस्टोल स्कूल, और लास्ट बोल रहा है प्रोबेशन हॉस्टल। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब देकर के आए थे इस क्वेश्चन का, आप लोगों से पूछा था नहीं, और मैंने बोला था कि क्वेश्चन के अंदर नॉट वाले, एक्सेप्ट वाले, एक्सपेक्ट वाले, ट्रू वाले, फॉल्स वाले, इन पॉइंट पर फोकस करना था। आपसे पूछा है कि कौन सी चीज जुनाइल डेलिक्वेंट से संबंध नहीं रखती है, तो आपका प्रोबेशन हॉस्टल इससे संबंध रखता है डियर, आपका ब्रोस्टोल स्कूल भी इससे संबंध रखता है, और आपका रिफ्रेमेटिव स्कूल भी इससे संबंध रखता है। कौन संबंध नहीं रखता, कौन नहीं रखता, साल्टर होम इससे संबंध नहीं रखता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर, जी हां ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9। पढ़ रखा था क्वेश्चन, पढ़ रखा था, नहीं पढ़ रखा था, प्रोलैक्टिन का पढ़ रखा था, सोशियो का दूसरा क्वेश्चन भी अपन ने सेशन में डील किया था। जी हां, वादा किया था 10 दिनों की तैयारी सब पे भारी, और जिस बच्चे ने भी वो सेशन अटेंड किया था वो आज बहुत ही मन ही मन खुश हो रहा है कि यार मेरी तो किस्मत खुल गई, क्योंकि उत्कर्ष जो मिल गई मुझे। चलेगा, आपसे पूछ रहा है ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है फैक्टर 8 और 9 की कमी के कारण बीमारी क्या कहलाती है दोस्तों, हीमोफीलिया कहलाती है। बीमारी क्या कहलाती है, हीमोफीलिया कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी, ए नहीं होगा, परप्यूरा नहीं होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकेमिया का यहां कोई संबंध नहीं। दोस्तों आज सिर्फ अपन आंसर की डील कर रहे हैं, इसलिए किसी का भी रैशनल डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ लिया था क्या होता है, क्या साइन एंड सिम्टम थे, क्या डायग्नोसिस, वो टर्म सटर्म बहुत चीजें डील की थी। आज कुछ नहीं, अपने को सिर्फ आंसर की डील करनी है, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था और इसका जवाब क्या गया था। क्लियर है, चलेगा। जी हां, रॉयल्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन पूछ रहा है इन प्राइमी ग्रेविडा मदर व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। किसके अंदर पूछी थी दोस्तों? प्राइमी ग्रेविडा के अंदर पूछी थी। किसकी स्टेज पूछी थी? फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर पूछी थी। पहला ऑप्शन 6 आवर 8 आवर 12 आवर या 20 आवर, क्या जवाब रहेगा? बहुत बढ़िया, चलेगा, जल्दी से जवाब देते जाइएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर, कितनी होगी प्राइमी ग्रेविडा? प्राइमी का मतलब पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली लेडी में फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर पूछी है। जवाब क्या जाएगा दोस्तों? 12 घंटे जाएगा, मैंने बताया था। राइट आंसर क्या जाएगा? 12 घंटे, 6, 8 और 20 नहीं होगा। डियर, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर ड्रग क्या रहेगी? एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर ड्रग क्या रहेगी डियर? पहला बोल रहा है एट्रोपिन, एड्रिनलिन, डियरीफाइलिन या एमिनोफाइलिन। मैंने बताया था सारे शॉक पढ़ाए थे, शॉक के अंदर बताए थे मैं, क्यों? एक तो होता है शॉक, कौन सा, जिंदगियों को जीने वाला, और दूसरा शॉक क्या होता है? ये वाला शॉक, यानी मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। चलेगा राम, थैंक यू सो मच, राम बिना थैंक यू। चलेगा, आपसे पूछा है एनाफाइलेटिक की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, और एनाफाइलेटिक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या जाएगी दोस्तों? एडीआर, एड्रिनलिन के बारे में अपन ने पूरा कंसेप्ट डील किया था। एट्रोपिन नहीं होगा, डेरीफाइलिन और एमिनोफाइलिन नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या गया था? बी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था दोस्तों, 56 नंबर, द डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग थ्रेटिंग और कॉन्फ्लेटिंग इवेंट और द सिचुएशन आउट ऑफ द कॉन्शियस मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म अपन ने डील की थी दोस्तों, किसके बारे में पूछा है? चलेगा, आपसे पूछ रहा है डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, ठीक है साहब, उसके अंदर पुशिंग कर रहा है किसको? थ्रेटिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट, यानी जो डर वाला भयानक जो सिचुएशन थी उसको क्या कर रहा है? इवेंट को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, सिचुएशन को, आउट ऑफ द कॉन्शियस मेमोरी, यानी आपके दिमाग में जो भी मेमोरी चल रही है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? उस कोई भी भयानक सिचुएशन को पुश करने की कोशिश करते हो, क्या कहलाएगी? पहला बोल रहा है रैशनलाइजेशन, मैंने बोला था टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, अंगूर खट्टे हैं, वो होगा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट एक जगह का, जी हाँ, हायर लेवल से लोअर लेवल पर भारी पड़ जाना बोले तो ऑफिस का गुस्सा घर पे, ये भी नहीं था। रिग्रेशन या रिप्रेशन क्या कहलाएगा? तो रिग्रेशन का मतलब होता है बचपन में चले जाना, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा? रिप्रेशन। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? रिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों, आप सामने ध्यान से पढ़ेगा और जवाब दीजिएगा दोस्तों। मजा नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स, आज तो राफेल की तरह ही चलना चाहिए, आज तो कहां बोलने की जरूरत है, क्योंकि पेपर जो बहुत अच्छा गया है, पेपर जो बहुत अच्छा गया है। चलेगा, मैंने तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन। मैं हमेशा आते ही यही वर्ड बोलता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन तक अप्रोच करेंगे, और वकर दिखाया दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक्शन पूछा है आपसे, किसका एक्शन पूछा है दोस्तों? प्रोस्टाग्लैंडिन का पूछा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूल मसल्स ऑफ द यूटरस, तीसरा बोल रहा है हेल्पिंग इन द ओवुलेशन, और बोल रहा है इंक्रीजिंग इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। राइट आंसर क्या जाएगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बोले तो ए। क्वेश्चन यही थे या दूसरे थे दोस्तों? कहीं दूसरे क्वेश्चन तो नहीं थे? क्वेश्चन तो सारे यही थे ना डियर, यही क्वेश्चन थे, ऐसे ही जवाब देकर के आए हो ना, तो सिलेक्शन फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह था आप लोगों के सामने, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलेशन इज नाउन एज। पढ़ाया था मैंने, शादी से निकले हो, खाने को ठूस ठूस करके आए थे, बिना बुलाए गए थे, और पीछे पीछे चला आया, कौन आया? शादी वाला आ गया, पीछे मुड़ करके देखा, नजर नहीं आया, कंडीशन क्या कहलाई? हालुजिनेशन। कंडीशन क्या कहलाई डियर? हालुजिनेशन। राइट आंसर गया था सी, डिल्यूजन, इल्यूजन और डिलीरियम नहीं था। क्लियर हो गई? ये सारी चीजें पढ़ रखी थी या नहीं पढ़ रखी थी डियर? पढ़ रखी थी। राइट आंसर गया हालुजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछा है? कौन सा प्रिंसिपल के अंदर नहीं होगा? नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन, नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन किसका पूछा है? WHO का। WHO का प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा नहीं है डियर? पहला बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होगी। दूसरा बोल रहा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तीसरा गवर्निंग बॉडी, और लास्ट में बोल रहा है द सेक्रेटेड। तो पता है ना कौन कौन सी प्रिंसिपल बॉडी के अंदर काउंट होते हैं, कौन कौन सा होगा?
चलेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, सेक्रेटरी होता है, कौन नहीं होती है, गवर्निंग बॉडी नहीं होती है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर? करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। बहुत बढ़िया डियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से पढ़ें और जवाब दें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन इज गिवन। बोल रहा है हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो ट्रिक बताई थी ओए, मैं भी पीएचडी था, याद थी किसी को, उसी से निकल के आया मोस्ट हीट सेंसिटिव। मैंने बोला था लड़कियों वाली वैक्सीन, जी हाँ, लड़की बोलती है ना धूप के अंदर निकल जाऊंगी तो काली हो जाएंगी, कलर खराब हो जाएगा, सुंदरता अगर चली जाएगी, ये वाली कंडीशन, जी हाँ, एग्जाम्पल दिए थे। मैं क्यों बोला था टीटी तो होती है लड़कों जैसी, बोले तो धूप में रखो मौज से रहेगी, मस्ती से रहेगी, और धूप में निकाल दिया तो खराब कौन हो जाएगी, सेंसिटिव कौन सी होती है, तो आपकी अपनी कौन सी वैक्सीन, पोलियो। राइट आंसर क्या गया था? बी। ए नहीं था, सी नहीं था, डी नहीं था, याद है या नहीं है? एक एक पॉइंट को वापस से पॉइंट आउट करवा रहा हूं, मैंने बोला था एग्जाम के दौरान आपको वो सारी बातें याद आएगी जो मैं क्लास के अंदर बोल रहा हूं, वो सारी चीजें याद आई थी या नहीं आई थी? आ गई ना, वही तो अपना टारगेट था, पोलियो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नाउन एज, क्या देखने को मिल रहा है? डर देखने को मिल रहा है, कहां से देखने को मिल रहा है? बंद गुफा के अंदर डर लग रहा है, बंद कमरे में डर लग रहा है, क्या कहलाया था डियर? डील किया था, दसवें सेशन के दौरान ही डील किया था, आज अपन ने 10 दिनों की तैयारी सब पे भारी के दसवें सेशन में डील किया था। एकेरोफोबिया, साइनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। करेक्ट आंसर क्लोज पैलेस का क्या जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। निक्टो का मतलब नाइट, तो ए बी और डी तो नहीं गए। करेक्ट आंसर क्या चला गया? क्या गया करेक्ट आंसर? सी। क्लियर है? चलें, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने पूछा था इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ईएचआर स्टैंड फ्रॉम, ये भी डील किया था एक दिन कंप्यूटर के सेशन के दौरान, कुछ क्वेश्चन डील किए थे उसके अंदर, ये क्वेश्चन भी पढ़ा था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पढ़ा था ना। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है ईएचआर की फुल फॉर्म पूछी है। ईएचआर क्या होता है? एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, या इवोलंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, या नन ऑफ अबो। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कमेंट फास्ट डियर। जी हाँ, आज तो हर एक उस बच्चे को जोड़ दो जो आज का पेपर देकर के आया, क्योंकि सेशन डिस्कशन कर रहे हैं, फिर भी तो अपन रैंकिंग निकाल पाएंगे कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है, किसके कितने गलत हो रहे हैं। साथ साथ में मिलाते जाना, नोटबुक को खुली रख लेना, लिख लेना 51 नंबर में आपका पेपर, साइड में रखना, मैं बोल रहा हूं जैसे मैच करना, मैंने बी में ए किया, सर ने ए बताया, सही हुआ, खुशी वाला चिन्ह। जी हाँ, इमोजी बना देना साइड में, कौन सा अच्छी सी स्माइल वाला, जहां पर गलत मिल जाए वहां इमोजी कौन सा बना दोगे, आंखों से एक आंसू निकलता हुआ, सिर्फ एक आंख से निकलता हुआ, बाकी ज्यादा नहीं बनाना। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। क्लियर है? राइट आंसर गया था बी, एलिमेंट्री नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, नन ऑफ नहीं होगा। वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी किसके, क्या देखने को मिलेगा? एड्स, सिकल सेल, या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या टर्नर सिंड्रोम। डील किया था रोगाम इंजेक्शन के बारे में, बताया था, मैंने बोला था माँ का ब्लड नेगेटिव है, नालायक का ब्लड पॉजिटिव चलाया, बच्चे के अंदर दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत का नाम बताया था मैंने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रो का मतलब मैंने बोला था आरबीसी बनेगी और बच्चे के अंदर बनेगी, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। करेक्ट आंसर क्या गया था डियर? एड्स नहीं था, सिकल सेल नहीं था, टर्नर नहीं था। राइट आंसर क्या गया? अरे क्या गया, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की मुझ तक, जोर से बोल के सुनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है डियर, जल्दी से पढ़ें। क्वेश्चन ने पूछा था इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी यूज, कौन सी बीमारी के अंदर फोटोथेरेपी का यूज करोगे, कौन सी बीमारी के अंदर फोटोथेरेपी का यूज करोगे डियर? एक्जिमा में करोगे, सोरियासिस में करोगे, नियोनेटल जॉन्डिस में करोगे, या बर्न में करोगे? कौन सी बीमारी के अंदर फोटोथेरेपी का यूज होगा, कौन सी थेरेपी के अंदर फोटोथेरेपी का यूज किया था दोस्तों? याद है ना, मैंने बताया था ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, बच्चा भूरा भूरा हो जाएगा, और किसकी इलाज कर रहे हो? एक्जिमा का नहीं, सोरियासिस का नहीं, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के अंदर 3 ट्रीटमेंट बताए थे, मेडिसिन बताई थी, फोटोथेरेपी बताई थी, और क्या बताया था? ब्लड चेंज करना। राइट आंसर फोटोथेरेपी जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा।
यही क्वेश्चन आए थे, पेपर को साथ में खुला रखिएगा और अपने आंसर को मैच करते रहिएगा। क्वेश्चन ने पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी हेमरेजिक विटामिन। एंटी हेमरेजिक का मतलब क्या हो गया, कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। कौन सा विटामिन है जो क्या प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, हेमरेज को प्रिवेंट करता है। हेमरेज बोले तो किसको कर रहा है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर रहा है। हेमरेज बोले तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट। तो विटामिन एक तो आंखों की रोशनी के लिए था, तो ये नहीं होगा। डी कैल्शियम के लिए था, ई सुंदरता के लिए था। तो कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, मैंने बताया था नन्ने मुन्ने के जन्म के टाइम इंजेक्शन लगता है वास्टस लेटरली साइट पे, प्री ट्रम का ट्रम का सारों का डोज बताया था। वो कौन सा इंजेक्शन था, विटामिन के का था। इससे क्या बनते हैं, क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं। 2, 7, 9, 10 याद है या नहीं है, याद है ना। करेक्ट आंसर क्या गया था इस क्वेश्चन का, डियर डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आप लोगों के सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, याद है किसी को, मैंने मैच करवाए थे, ट्रिक भी बताई थी। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को कलर कोड को मैच कीजिएगा, रेड कलर, येलो कलर, ब्लूइश व्हाइट, पंक्चर प्रूफ पूछा था और ब्लैक। मैंने बताया था काला कचरा, पीला पस, लाल लचीला और नीला नुकीला। जिसको याद थे उसने चिपका डाले इन क्वेश्चन के आंसर। चलेगा नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रेड कलर किससे करोगे, ग्लव्स को डाल दो। येलो कलर में क्या डाल दोगे, बैंडेज डाल दो। ब्लू कलर के अंदर क्या डालोगे दोस्तों, निडल डाल दो। और आपका ब्लैक कलर के अंदर क्या डालोगे, सैनिटरी। तो आंसर क्या जा रहा है दोस्तों, 2, 1, 4, 3 क्या आंसर जा रहा है दोस्तों, क्या आंसर बन रहा है। सबसे पहले गया 2 नंबर, फिर गया 1 नंबर, नेक्स्ट जा रहा है 4 नंबर और लास्ट में आंसर जा रहा है 3 नंबर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ था दोस्तों, क्या बन रहा है, 2, 1, 4, 3 करेक्ट आंसर गया था डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी। याद रखिएगा इसी प्रकार का था ना क्वेश्चन, आप लोगों ने गलत तो नहीं किया। पेपर किन किन बच्चों का बहुत अच्छा गया कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन वो बच्चे हैं जो मैंने बोला था उस प्रकार से फॉलो किया और पेपर अच्छा गया था, अच्छी सी स्माइल के साथ सेंटर से निकल के आए। जल्दी से बताइएगा पेपर कैसा हुआ। अब डील करते हैं पेपर के बारे में, कुछ चीजें कॉमन, कैसा गया, अच्छा गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, आप लोग बीमार तो नहीं हो गए, सेंटर पे लेट तो नहीं पहुंचे, टाइम से पहुंच गए, मजा आ गया। चलेगा बहुत बढ़िया, सोना राही। चलेगा बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यही था ना क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन ने पूछा था कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ द नर्सिंग। इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ द नर्सिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नर्सिंग का पोर्शन बहुत अच्छा था, तो अपन तो नर्सिंग में ही राज करते हैं डियर, क्यों दूसरे अच्छे नहीं थे, कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुए ना डियर, सारे क्वेश्चन अच्छे ही तो थे, कौन सा क्वेश्चन बुरा लगा आपको। बहुत बढ़िया, 150 सही है, क्या बात है। चलेगा जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कौन सी चीज INC के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इट वर्क टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल, बोल रहा है कि नर्सिंग की क्वालिटी के लिए केयर काम करती है। दूसरा बोल रहा है इट हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ द नर्सिंग नॉलेज। तीसरा पूछ रहा है इट एंश्योर टू प्रोवाइड द कंपोनेंट और द सेटिस्फेक्शन नर्सिंग फोर्स। और लास्ट बोल रहा है इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग द एंश्योरिंग द साउंड हेल्थ पॉलिसी इन द वर्ल्ड मिनिमम। कमेंट फास्ट डियर, क्या आंसर जाएगा जल्दी से। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। जवाब दीजिएगा डियर, तभी क्या करोगे, खुद को कॉन्फिडेंट करोगे, तभी क्या कर पाओगे, खुद को कॉन्फिडेंट कर पाओगे। परी का अच्छा हुआ, बढ़िया है दोस्तों। परी का कौन सी, पापा की परी या किसकी परी। राइट आंसर क्या जाएगा, डी। गलत पूछा था, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है डियर। जी हाँ, क्वालिटी के बारे में जानकारी दी जाती है, अचीवमेंट के बारे में बताया जाता है और कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाती है। कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है ICN में, तो डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, यही देख करके आए हो जवाब। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कौन से रूट से लगाओगे डियर, कौन से रूट से लगाओगे, ओरल लगाओगे, इंट्राडर्मल लगाओगे, सबक्यूटेनियस लगाओगे या सबक्यूटेनियस। दो ऑप्शन आ गए, सबक्यूटेनियस दो ऑप्शन आ गए, तो इसको इंट्रा मस्कुलर कर लेना, इसको मस्कुलर कर लेना, यही था ना डी ऑप्शन में। एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दिया, बहुत बढ़िया।
जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या देकर के आए, तो आपका राइट आंसर ओरल नहीं होगा, डर्मल नहीं होगा, सबक्यूटेनस नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा, इंट्रामस्कुलर। एंड राइट आंसर क्या जाएगा, डी, क्योंकि किसके बारे में पूछा था, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिनोट वेन ए वुमन हैविंग ए मोर देन वन हस्बैंड एट द वन, बोल रहा है कि औरत के एक से ज्यादा पति है, क्या कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा है, द टर्म यूज टू डिनोट वेन ए वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक बहन जी है, जी हाँ रोज बोलते हो ना भाई साहब, ये लीजिएगा, आज बोल रहा हूं एक भाभी जी के एक से ज्यादा पति है, क्या बोलोगे। एक भाभी जी के एक से ज्यादा है पति, क्या बोलोगे डियर। पहला ऑप्शन बोला था मोनोगेमी बोलोगे, पॉलीगेमी बोलोगे, पॉली एंट्री बोलोगे, या ग्रुप मैरिज बोलोगे। अरे बोलो कुछ तो, बोलो जवाब तो दो, क्या बोलोगे उसको, क्या बोला जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या जाया था, पॉली एंट्री। करेक्ट आंसर जाएगा सी। आपसे पूछा एक भाभी जी के कितने पति हैं, एक से ज्यादा पति है, कहलाएगा पॉली एंट्री। मोनोगेमी का मतलब क्या है, एक ही भाभी जी है, एक ही भाई साहब हैं, तो क्या कहलाएगा, मोनो एंट्री कहलाएगा। और पॉली का मतलब क्या हो गई, औरत ज्यादा है, ग्रुप मैरिज नहीं होती है डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पूछा था, इफ फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल यूट्राइन केविटी, मैंने बोला था नन्ना मुन्ना क्या है जो नालायक कंडीशन का है, बोला तो क्या हो गया, खुले मैदान में नहीं आया, फेलोपियन ट्यूब में ही फंसा पड़ा है, क्या बोलोगे उसको, क्यों बोलोगे दोस्तों, जो यूट्राइन कैविटी में नहीं आया, बाहर ही अटक गया। आपसे बोला है आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, और ये भी चीज मैंने बोली थी, जो चीज नॉर्मल नहीं होती है वो सारी एबनॉर्मल होती है, जो नॉर्मल नहीं है वो सारी चीजें क्या है डियर, एबनॉर्मल में काउंट होगी। तो आपसे क्या बोला है, बाहर बच्चा अटक गया कंडीशन क्या कहलाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। मल्टीपल का मतलब ज्यादा हो जाना, हाइड्रोफॉर्म मॉल नहीं होगा, पोस्ट मैच्योरेंट प्रेगनेंसी नहीं होगी, यही देकर के आए हो, गलत तो नहीं किया था ना, सारा डील किया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मेथोट्रेक्सेट, ल्यूकोवेरिन वगैरह याद होगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे कोई नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या है, हर एक व्यक्ति का होगा, दुनिया का ऐसा कोई आज का स्टूडेंट नहीं होगा जिसके एक भी गलत नहीं हुआ, तो गलत होने की चिंता नहीं करें, आपने अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा करके सही करने की कोशिश की, पढ़ने की काबिलियत आपके अंदर थी, आपने पढ़ दिखाया, आपके घर वालों ने आप पर विश्वास किया था, आपने वो करके दिखा दिया, आपने पेपर बहुत अच्छे से अटेंड कर लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच कर लिए, और अपना बेस्ट से बेस्ट देकर के आगे, अब कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। गलत हो गया तो हर एक के हुआ है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये था 71 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ द एड्स इन इंडिविजुअल, एड्स के अंदर एड्स का इंडिकेशन क्या होगा, तो मैंने बताया था डेफिनेशन के दौरान, एड्स का, एड्स को ही क्या बोलते हैं, एंड स्टेज ऑफ एचआईवी, और एंड स्टेज ऑफ एचआईवी में आपके CD4 काउंट कितने से कम हो जाते हैं, 200 से कम, CD4 काउंट कितने से कम हो जाना एड्स कहलाएगा, तो 200 से कम हो जाना। करेक्ट आंसर क्या गया है इसका, बी जाएगा डियर, आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अरे दोस्तों जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जो किसकी पेपर देकर के आया है, UPPSC स्टाफ नर्स ग्रेड, कब पेपर देकर के आया, आज ही पेपर देके आया, अभी जो पेपर कंप्लीट हुआ वही डील कर रहे हैं सारा का सारा, क्लियर है, बहुत बढ़िया डियर। क्वेश्चन क्या जाएगा, 200 से कम हो जाना, इसी को ही बोला जाता है एंड स्टेज ऑफ HIV, क्लियर था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये था डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा था विच स्ट्रक्चर इज ए फॉर्म बाय द ओब्लिट्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल वेन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ओब्लिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो पहले कंडीशन थी वो अब छुप चुकी है, उसको क्या बोलोगे। इसमें कंफ्यूजन था सर, किसमें कंफ्यूजन था, लिख के बताएगा। मैंने बोला था कंफ्यूजन, याद नहीं रहने वाली चीजें अपने सेशन में कभी नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं रखना। आपने ढंग से सेशन को अटेंड किया था तो डियर कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन में हो जाना कोई अलग चीज है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या आप किसी के कमेंट को पढ़ने में लगे होंगे, या दिमाग कहीं पे दूर जगह जोड़ रहा था। आपसे पूछ रहा है अम्बिलिकल वेन का ओब्लिट्रेशन हो जाना क्या कहलाएगा, लिगामेंटम विनोसस नहीं बोलोगे, वेसिकल आर्टरीज नहीं बोला जाएगा, क्या बोलोगे, लिगामेंटम ट्रियर्स। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, सी आंसर जाएगा, और फोसा ओवेलिस नहीं बोलोगे, क्लियर हो गई ना बात, क्या आंसर जाएगा, राइट सी जाएगा। जी हाँ, लिगामेंटम टीयर बोला जाएगा अम्बिलिकल वेन का, राइट आंसर सी जाएगा, ए नहीं जाएगा, लिगामेंटम विनोसस नहीं बोलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
बेहतर के अंदर कंफ्यूजन था, क्यों था डियर? वापस से देखिएगा, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? विनोसस नहीं होगा डियर, विनोसस नहीं होता है। विनोसस कब होता है? अगर आपका लिगामेंट है जहां आपका इन्फीरियर वीना केवा से जुड़ता है वहां वो देखने को मिलेगा। आपका अम्लाइकल वेन से पूछा है और वेन से पूछा तो जवाब सी जाएगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था डिलीट ईमेल आर द स्टोर्ड इन द, डिलीट किए हुए ईमेल कहां पर स्टोर्ड होते हैं डियर? जल्दी से बताएगा ये किस किस के सही था, ये जल्दी से बताएगा किस किस के सही था दोस्तों। ईमेल डिलीट होने के बाद कहां स्टोर होता है? ड्राप में होगा, ट्रैश में होगा, इनबॉक्स में होगा, सेंड मेल में होगा, किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो ये ट्रैश वाली कंडीशन में होगा। राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। क्लियर है ना, कहां स्टोर होता है? ट्रैश में होता है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नाउन एज यूनिवर्सल डोनर? जी हाँ, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलोगे? क्या बोल रहा है दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर यानी क्या दे रहा है? सबको खून दे सकता है, और सबको कौन दे सकता है? ओ दे सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया था एग्जामिनर ने, अगर ज्यादा कंफ्यूज करता तो ओ नेगेटिव आंसर जाता। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। रेसिपिएंट नहीं, आपसे डोनर पूछा था, करेक्ट आंसर डी जाएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ये तो किसी के गलत नहीं था ना, क्योंकि पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो किसी के गलत नहीं था ना डियर, क्योंकि पांचवी क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं। यूनिवर्सल सर्वग्राही सर्वदाता, सर्वग्राही सर्वदाता, सर्वग्राही सर्वदाता बोले तो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था डियर, क्वेश्चन ने पूछा था विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कोजिंग गैस्ट्राइटिस? गैस्ट्राइटिस कोज करने वाला कॉमनेस्ट बैक्टीरिया क्या होता है? मैंने बोला था क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कॉमनेस्ट पूछेगा, मोस्ट कॉमन पूछेगा, और बैक्टीरिया पूछा है गैस्ट्राइटिस के लिए। गैस्ट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन किसका हो गया? इन्फेक्शन हो गया किसका दोस्तों? स्टोमक का। क्लियर है ना, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया, चलिएगा। अब कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा? साल्मोनेला होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होगा, नाइजीरिया गोनेराई होगा, यनन ऑफ अबो होगा। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब देकर के आया? गैस्ट्राइटिस करने वाला मोस्ट कॉमन, तो जवाब क्या जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के कारण देखने को मिलता है गैस्ट्राइटिस, मोस्ट कॉमनली बी करेक्ट जाएगा। साल्मोनेला, नाइजीरिया गोनेराई और नन ऑफ अबो नहीं होगा डियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द फीकल पोल्यूशन ऑफ द वाटर, किसके बारे में पूछा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द फेशियल पोल्यूटेंट इन द वाटर, वाटर के अंदर आपसे पूछा है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। वाटर के अंदर आपको किसके बारे में पूछा है? पोल्यूटेंट इंडिकेटर का, वाटर के अंदर इंडिकेटर पूछा है, तो पहला जवाब साल्मोनेला टाइफी जाएगा, ई कोलाई जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोटाइटिका जाएगा, या विब्रियो कोलेराई जाएगा। जवाब दीजिएगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जाएगा, विब्रियो कोलेराई जाएगा, ई कोलाई जाएगा, या टाइफॉइड क्या जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या रहने वाला है? ई कोलाई। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ई कोलाई होगा दोस्तों, क्लियर हो गई बात? डी नहीं होगा, विब्रियो कोलेराई नहीं होगा, एंट अमीबा नहीं होगा, साल्मोनेला टाइफी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? मैनेजमेंट दे, मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, बोल रहा है मैनेजमेंट के अंदर सारे फंक्शन होते हैं एक्सेप्ट। मैंने बोला था ऐसा आते ही हिंदी में लिख लेना छोड़ करके, ऐसा आते ही हिंदी में लिख लेना छोड़ करके। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होता है। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन डिटेक्टिंग कुछ भी नहीं होता। राइट आंसर क्या जाएगा? गलत पूछा था, और गलत क्या जाएगा डियर? सी जाएगा, गलत पूछा था और गलत क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा, ए बी और डी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन ने पूछा था द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द वाटर बाय द माइक्रोब्स इज द नाउन एज, किसके बारे में पूछा था आपसे? आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर, ऑक्सीजन की रिक्वायर होगी तो डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो कहां पाया जाता है? वाटर के अंदर, उसके माइक्रोब्स को क्या बोलोगे? कमेंट कीजिएगा इसका जवाब क्या देकर के आए हो डियर। आपसे पहला ऑप्शन पूछा था डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर बोलोगे, दूसरा बोल रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर बोलोगे, उसको आपको क्या बोलोगे? यूट्रोफैक्शन बोलोगे या सरफेस फ्लो बोलोगे? करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर इसका? तो करेक्ट आंसर रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी करेक्ट होगा। क्लियर है? इसी को बोला जाता है बीओडी, इसी को क्या बोला जाता है? बीओडी, बाकी ए सी और डी नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इतना मोटू सा आया था, मैंने बोला था बड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके जवाब देना, क्योंकि जवाब खुद लेकर के आता है, और टाइम बचाने के लिए एक बार स्किप जरूर कर देना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जिन बच्चों ने इसको अटेंड किया, क्या जवाब दिया था आपसे पूछ रहा है, कंसिडर्ड द स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द करेक्ट एंसर फॉलोइंग द कोड, आपसे पूछ रहा है, एक तो दिया था कोड ए और दूसरा दिया था आर, इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला बोल रहा है केएमसी इज ए वैल्यूबल मेथड ऑफ द गिविंग ए केयर टू प्री मेच्योर बेबी इन द डेवलपिंग कंट्री, बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्री मेच्योर बेबी को केएमसी दी जाती है, तो ये तो बात सही है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है क्या रीजन दे रहा है, मेथड हेल्पिंग इन द मेंटेन टेम्परेचर, बोल रहा है ये मदद करेगा टेम्परेचर मेंटेन में। दूसरा बोल रहा है इंप्रूविंग द ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में मदद करेगा, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट बोल रहा है रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन प्री मेच्योर बेबी, और प्री मेच्योर बेबी में पाए जाने वाले इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा, तो ये दोनों बातें सही है डियर। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहला बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ, बात पहला स्टेटमेंट सही है और उसका रेशनल भी सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है डियर। क्लियर है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल पेयर पेचेज आर फाउंड, एब्डोमिन के अंदर पेयर पेचेज कहां पाए जाते हैं, तो पेयर पेचेज इसोफेगस में, स्टोमक ही होगा सिर्फ, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, पेयर पेचेज कहां देखने को मिले थे, मैंने बताया था पेयर पेचेज किसके सराउंडिंग पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग पाया जाने वाला लिम्फेटिक डायलेटेड पाउच होता है, उसको क्या बोला जाता है, पेयर पेचेज, क्या बोला जाता है डियर, पेयर पेपेज। क्लियर हो गई, राइट आंसर जाएगा सी। अरे सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो वो तो बता दो, सही गए थे ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी थी आपसे, डीओसी किसकी, एक्लेम्सिया की, डाइजेपाम नहीं होगा, इप्सोलिन नहीं होगा, लेबेटालोल नहीं होगा, क्या जाएगा जवाब, मैग्नीशियम सल्फेट, एंटीडोट भी पढ़ा था कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंटीडोट भी पढ़ा था डियर कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या रहेगी, एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, करेक्ट आंसर सी। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपके सामने, क्वेश्चन ने पूछा था द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड फॉर हाउ मेनी वीक आफ्टर द डिलीवरी, पोस्टपार्टम पीरियड कब तक बोलोगे, प्रेगनेंसी के बाद कितने समय के लिए एक्सटेंड होता है, तो मैंने दिन के अंदर बताया था, मैंने महीने के अंदर बताया था, मैंने वीक के अंदर बताया था, अगर किसी ने कानों के पर्दे को खुला रख के सुना हो तो, मैंने बताया था 42 दिन हो सकता है, एग्जामिनर डेढ़ महीना लिख सकता है, मैंने लिखा था एग्जामिनर 6 महीने लिख सकता है, याद है या नहीं है, क्या जाएगा, पहला बोल रहा है 2 वीक नहीं होगा, 4 वीक नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 6 वीक और 8 वीक भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या जाएगा, सी। बहुत बढ़िया डियर, यही देख करके आया ना जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेल कटिंग इज ट्रू एक्सेप्ट, बोल रहा है नेल कटिंग के लिए सारे स्टेटमेंट सही है एक को छोड़ करके, किसके बारे में पूछे थे, नेल कटिंग के, एक्सेप्ट बोले तो छोड़ करके क्या मतलब, छोड़ करके जो गलत है, पहला बोल रहा है फिंगर नेल शुड बी कट इन द वन डायरेक्शन, बोल रहा है अंगुलियों के नाखन हमेशा एक डायरेक्शन में काटने चाहिए, दूसरा बोल रहा है टॉयज नेल शुड बी कटिंग स्ट्रेट अक्रॉस, बोल रहा है कि जो टॉयज के नेल होंगे वो स्ट्रेट अक्रॉस काटे जाएंगे, ये सी ऑप्शन आपका यहां है डियर, ध्यान रखना ये सी ऑप्शन यहां लिखा हुआ है, नेल शुड बी कट फ्रॉम द कॉर्नर्स, नाखून को कॉर्नर से काटना चाहिए, और लास्ट बोल रहा है नेल शुड बी कट एटलीस्ट एवरी 15 डेज, चलिएगा। आपसे लास्ट ऑप्शन ने क्या पूछा है, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम तो 15 दिन से काट लो रे नालाई को, तो पहला ऑप्शन ने क्या बोला था कि नाखून को साइड से काटना चाहिए एक डायरेक्शन में, तो सही बात है, दूसरा बोल रहा है स्ट्रेट काटेंगे एक्रॉस काटोगे, तो स्ट्रेट और एक्रॉस काटोगे कैसे, अब देखिएगा ये अगर नाखून है तो इसको ऐसे काटोगे क्या, इस नाखून को यहां से थोड़ी काटोगे, तो बी स्टेटमेंट गलत है डियर, बी स्टेटमेंट क्या रहेगा, रोंग
रॉन्ग रहेगा वही आपसे पूछा था। तीसरा क्या बोल रहा है, कॉर्नर से काटना चाहिए, अच्छी बात है। और लास्ट बोल रहा है कम से कम 15 दिनों से तो काट लो, कम से कम 15 दिन से तो काट लो, तो ये भी बात सही है। नेल शुड बी कट एटलीस्ट 15 डेज, 15 दिन में तो कम से कम क्या करो, नाखूनों को काटो रे, काटो जानवरों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह था कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन इन द अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। एक भाई साहब ने अपने राफेल को राफेल बना दिया, एक भाई साहब ने अपनी बाइक को राफेल बना दिया और राफेल बीच सड़क पे लैंड हो गया, याद है या नहीं है? राफेल बीच सड़क पे लैंड हो गया, लैंड होने के बाद भाई साहब अनकॉन्शियस बोले तो बिना याददाश्त वाली स्थिति में कहां आए, हॉस्पिटल में आए। अब वहां आप क्या करोगे, पेटेंसी ऑफ एयरवे चेक करोगे, हेमरेज करोगे, फ्रैक्चर चेक करोगे, हेड इंजरी करेगा। मैंने बोला था जब तक सांस नहीं है जिंदगी में कोई आस नहीं है, सबसे पहले क्या जरूरी है, सांस जरूरी है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए बी सी और डी, यहां नहीं था दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया था या नहीं आया था, पूछा था विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिफ्थीरिया, आपसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट डिफ्थीरिया के लिए गलत रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट डिफ्थीरिया के लिए गलत रहेगा। पहला ऑप्शन बोला था डिफ्थीरिया इज कोज बाई बैक्टीरिया, तो डिफ्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, ये तो अच्छी बात है, कोरिनो बैक्टीरियम डिफ्थीरिया से। दूसरा बोल रहा है सिक टेस्ट इज डन टू नाउ इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट डिफ्थीरिया टॉक्सिन, तो सिक टेस्ट से तो इम्यूनिटी का असेस करते हैं डिफ्थीरिया टॉक्सिन का, ये बात भी सही है। तीसरा बोल रहा है डिफ्थीरिया मेनली अफेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये बात मेरे दिमाग में खटक रही है। मैंने बताया था डिफ्थीरिया के मरीज में एक स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, उसको आप रिमूव भी कर सकते हो, आप रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो अर्ली स्टेज में। वो कहां थी, अपर एयरवे के अंदर थी, बोले तो लैरिंग्स और फेरिंग्स वाले हिस्से में थी, और लैरिंग्स और फेरिंग्स वाला हिस्सा किस में आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहां बोल रहा है लोअर रेस्पिरेटरी, तो यह स्टेटमेंट गलत जाएगा डियर, यह स्टेटमेंट गलत जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन, यह भी बात सही है। गलत पूछा था, रॉन्ग रिगार्डिंग डिफ्थीरिया, और रॉन्ग कौन हो गया, सी हो गया, जी हाँ स्यूडो मेम्ब्रेन बोला था मैंने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंसीडर्ड असर्शन ए एंड द रीजन आर, आपसे पूछा है ए और आर के बारे में, एंड द सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी दिए गए कोड के अनुसार राइट स्टेटमेंट क्या रहेगा। पहला बोल रहा है यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज एट द वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिस्क रेज, आपसे बोला है यूवी रेज काम में लोगे वाटर प्यूरिफायर के लिए डिस्क रेज, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। दूसरा बोल रहा है इट डज नॉट हैव रेजिड्यूल इफेक्ट, दूसरा बोल रहा है इसके अंदर रेजिड्यूल इफेक्ट नहीं होते हैं, ये बात सही है। बोले तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दूसरा नहीं होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं दूसरा, दोनों ही गलत। राइट स्टेटमेंट क्या जाएगा डियर, ए जाएगा। राइट स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए गया। डी कौन कौन देकर के आ गए, डी कौन कौन देकर के आ गए, मैक्सिमम बच्चों ने क्या डी चिपका दिया क्या, कोई नहीं, एक गलत हो गया तो गया हो गया, बाकी तो सही है ना, क्या दिक्कत है। राइट राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था डियर, इस क्वेश्चन में पूछा था फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, कहां का फ्रैक्चर हो गया, ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर हो गया था। चलेगा, एट द मिड शाफ्ट, कहां से टूट गई, मिड शाफ्ट से टूट गई, इट इज लाइक टू कॉजेज द इंजरी टू द विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, अगर आपकी ह्यूमरस मिड शाफ्ट से टूट जाती है तो कौन सी नर्व को डैमेज करेगी। पहला ऑप्शन पूछा था मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है क्या, दूसरा क्या बोला मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, जिसने छोड़ दिया उसने बहुत बढ़िया किया, मेरा दिल खुश कर दिया। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो छोड़ने के लिए होता है, गलत करने के लिए नहीं होता है डियर, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं आया था आपने छोड़ दिया, और जिसका गलत भी हो गया कोई घबराने की बात नहीं है, इतने सही हुए हैं एक गलत भी तो होना चाहिए, सारे सही भी तो नहीं होने चाहिए, एक दो गलत भी तो होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी तो होनी चाहिए, पता भी तो चलना चाहिए, यही तो कंपटीशन है दोस्तों। सारे सही कर देते फिर मजा ही नहीं आता, एक दो गलत हुआ तो भी कम से कम अफसोस रहेगा, आप जिंदगी में गलत नहीं होगा, उसको भूलेंगे नहीं। कौन सी नर्व डैमेज होगी, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व डैमेज नहीं होती है, अल्नार नर्व का यहां कोई संबंध नहीं है, मीडियल नर्व होती है कार्पल पेडल स्पाजम के दौरान या कार्पल टनल सिंड्रोम के दौरान, तो ये भी नहीं होगी। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, रेडियल नर्व जाएगा। फिर से चौंक गए बाबूजी, फिर से चौंक गए, राइट आंसर क्या जाएगा, रेडियल नर्व जाएगा।
राइट आंसर क्या जाएगा? रेडियल नर्व जाएगा डियर। मुझे पता था मैक्सिमम बच्चों ने कौन सा जवाब दे दिया, मीडियल। मीडियल देना होता है दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम के दौरान। क्लियर है ना बात? तो ए बी सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से जल्दी से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? मैंने भी छोड़ दिया, बहुत बढ़िया किया आपने भी। चलिएगा, क्वेश्चन ने पूछा था इन कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस दैट स्टोर कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्विक रिटाइवल। क्विक रिटाइवल के लिए कहाँ कंटेंट को स्टोर किया जाता है? तो जवाब जाता है एड्रेस बुक के अंदर। कहाँ जवाब जाएगा दोस्तों? एड्रेस बुक के अंदर जाएगा। एड्रेस बॉक्स नहीं होगा, मैसेज बॉक्स नहीं होगा, स्टोरेज बॉक्स नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या गया? सी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द अमाउंट दैट अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल। बोल रहा है हर एक वेंट्रिकल ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी जब जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन किया है तब तक ब्लड निकलने की कैपेसिटी क्या कहलाई? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टाइडल वॉल्यूम या हार्ट रेट? सारे पढ़ रखे हैं। क्या जवाब गया था जल्दी से बताएगा दोस्तों? जब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन आएगा निकलने वाला ब्लड क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। करेक्ट आंसर जाएगा ए। कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, टाइडल वॉल्यूम नहीं होगा, हार्ट रेट नहीं होगा। क्लियर हो गई ना बात? राइट आंसर क्या गया? फिर कौन दे करके आ गया? कार्डियक आउटपुट। यहां क्या पूछा? ईच वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन, एक बार कॉन्ट्रेक्शन के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम होगा डियर। कार्डियक आउटपुट तो पूरा होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, डील किया था क्वेश्चन अपन ने। क्वेश्चन ने पूछा था मैक्सिमम नॉइज लेवल पूछा है इंडिया के अंदर, रिकमेंडेड कितना नॉइज बताया था। मैंने बताया था इतना सुनने के लिए जरूरी है, इससे डबल सुनोगे तो कान फट जाएंगे, हॉस्पिटल में इससे कम सुनने को मिलता है। क्लियर था ना? एक डायग्राम भी बनाया था वो साउंड प्रूफ वाला। राइट आंसर क्या गया है? 85 डेसिबल। राइट आंसर क्या जाएगा? 85। बाकी के ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। क्लियर हो गई ना बात? जी हाँ, कार्डियक आउटपुट में स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करेंगे। बहुत बढ़िया डियर। राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, 85। डील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ने पूछा था ओलिगो यूरिया, क्या बोलोगे? ओलिगो यूरिया का मतलब, ओली का मतलब कम और यूरिया का मतलब यूरिन कम। तो यूरिन कितने से कम? मोर यूरिन आउटपुट। गलत। यूरिन आउटपुट लेस देन 100, तो ये 100 से कम हो जाना दोस्तों बड़ी बात कहलाती है, एनूरिया कहलाता है। दूसरा बोल रहा है 2 घंटे में, तो गलत। राइट आंसर क्या जाएगा? 400 ml का 24 घंटे में कम हो जाना कंडीशन कहलाती है ओलिगो यूरिया। कंडीशन क्या कहलाएगी? ओलिगो यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने डियर, ये क्वेश्चन पूछा था विच मॉस्किटो ब्रीड इन द आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर। आपका फ्रेश वाटर के अंदर कौन सी ब्रीड देखने को मिली थी? जी हाँ, भोंपू बनाया था, याद है डियर। इसका मतलब आपने तो गलत नहीं किया, मुझे विश्वास है। चलिएगा, विच मॉस्किटो ब्रीड, कौन सी मॉस्किटो की नस्ल होगी जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती थी? मैंने बताया था जब आपको क्या पढ़ाया था, डेंगू। डेंगू के दौरान बताया था मैं, क्यों सुंदर सुंदर पानी के अंदर, साफ साफ पानी के अंदर कौन चीज रहती है? तो आपका देखने को मिलता है एडीज। कौन देखने को मिलता है? एडीज। एनोफ्लीज नहीं होगा, क्यूलेक्स नहीं होगा, मॉन्सोनिया नहीं होगा। क्या बताया था मैंने? एडीज, और उससे बीमारी डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन पूछा था LBW के बारे में। मैंने बोला था लेग बिहाइंड द विकेट, और उसके बाद वापस से बोला था क्या LBW का मतलब? लो बर्थ वेट बेबी। एक एक ऑप्शन बताए थे, एक्सट्रीम कब बोलोगे, वेरी लो कब बोलोगे, और आपसे पूछा है बेबी का कितने से वजन कम हो जाना LBW कहलाया था। नॉर्मल वजन के साथ सारी चीज डील की थी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 250 ग्राम से कम, बोले तो 2.5 किलो से कम हो जाना LBW लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। क्लियर है? 3000 नॉर्मल होगा, 2800 नॉर्मल और 2000 उससे भी कम हो गया। क्लियर हो गई बात? राइट आंसर गया था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपके सामने, क्वेश्चन ने पूछा था ऑल आर द इंपैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोजन एक्सेप्ट। आपसे पूछा है कि पॉपुलेशन एक्सपोजन का सारी चीजें होगी एक को छोड़ करके, पॉपुलेशन एक्सपोजन की सारी चीजें हैं छोड़ करके। जवाब दीजिएगा, क्या जवाब देकर के आए होगा, कहीं गलत तो नहीं किया?
आपने बोला है पॉवर्टी का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बोले तो गरीबी का। दूसरा पूछा था पर कैपिटा इनकम का इफेक्ट होता है क्या, होता है सब। फूड का बोले तो खाने पीने का होगा क्या। और लास्ट क्या बोला है आपसे, बोला है रिलीजन का इफेक्ट होगा क्या। क्वेश्चन पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है पॉपुलेशन पे, तो पॉवर्टी का इम्पैक्ट होता है, पर कैपिटा का होता है, फूड का खाने पीने का होता है, किसका नहीं होता है डियर, रिलीजन का नहीं देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी। बोले तो रिलीजन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था डियर आपके सामने, क्वेश्चन ने पूछा था विच टाइप ऑफ पेल्विक इज ए कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर द चाइल्ड बीरिंग। मैंने बताया था छोटे छोटे, जी हाँ, नन्हे गोपाल का एक एग्जाम्पल दे करके बताया था, बड़े व्यक्ति में कैसा होगा, छोटे में कैसा होगा, मोटे में कैसा होगा, याद है ना। कौन सा बताया था, मोस्ट पूछा है कॉमनेस्ट टाइप का, जो बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा होता है, गायनेकोइड। कौन सा होता है, गायनेकोइड, यही फीमेल के अंदर पाया जाता है, मोस्ट फेवरेबल पेल्विक नाम से। बाकी सारे पेल्विक डील किए थे, विथ डायग्राम किए थे, विथ इमेज किए थे, सारी चीजें डील की थी, भूले तो नहीं हो ना। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ए फर्स्ट थिंग टू डू, आपसे पूछा है आप क्या करोगे इन केस ऑफ द ब्लीडिंग वुंड इन द लेग ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर किसी भी पैर के अंदर एक्सीडेंट से क्या लग गई, चोट लग गई, आप क्या करोगे। मैंने एग्जांपल दिया था और अपन ने फर्स्ट एड के क्वेश्चन डील किए थे, या तो यूपीपीएससी 9 सेशन के दौरान या 10 सेशन के दौरान, हूबहू क्वेश्चन था। आपसे पूछा था अप्लाई प्रेशर एट द सम प्रेशर पॉइंट, बोल रहा है कुछ प्रेशर पॉइंट पे लगाएंगे, दूसरा बोल रहा है वुंड को एलिवेट कर दो, अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर एट द ब्लीडिंग पॉइंट विद द क्लीन स्टराइल ड्रेसिंग, और लास्ट बोल रहा है बल्की ड्रेसिंग टू एब्जॉर्ब द ब्लड। तो मैंने बोला था जहां प्रेशर बोले तो जहां ब्लीडिंग हो रही है उस पर प्रेशर लगा दो, तो ए गलत हो जाएगा, वुंड पर नहीं करेंगे, कहां प्रेशर लगाओगे, जहां पर दिक्कत है वहीं पर प्रेशर लगा दो। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। और डी बोल रहा है ड्रेसिंग करते जाओ, ब्लीडिंग को देखते जाओ, तो अपना काम ये थोड़ी है, अपना काम है मरीज को जिंदा रखना, मरने नहीं देना, और मरने किसी को नहीं देंगे, तो जिंदा रखेंगे ब्लीडिंग को रोक करके, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या कर दो, प्रेशर को क्रिएट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था विच वन इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग इन द बेबी विद द क्लैप्ट पैलेट। क्लैप्ट पैलेट वाले बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान कौन सी पोजीशन दोगे, क्लैप्ट लिप और पैलेट अपन ने डिस्कशन किए थे, और उसके अंदर क्या होगा, अपराइट दोगे, सुपाइन दोगे, प्रोन दोगे या साइड लाइन। तो याद है ना, पैलेट टूटा हुआ है, पैलेट ऊपर से नहीं बना है, क्लैप्ट वाली कंडीशन है, कौन सी पोजीशन दोगे, अपराइट देंगे। राइट आंसर जाएगा ए, सुपाइन प्रोन साइड लाइन आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द मेजर द ओवरकम ऑफ द बेड बॉडी ऑर्डर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ना, आपने पूछा है कि बेड बॉडी ऑर्डर के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, इन द मेजर टू ओवरकम द बेड बॉडी ऑर्डर। पहला बोल रहा है टू कीप योर कीप अवर बॉडी क्लीन, आप अपनी बॉडी को साफ रखो। दूसरा टेक डेली बाथ, बोले तो डेली क्या करो, बाथिंग करो। तीसरा कह रहा है यूज द डिओडोरेंट, और लास्ट बोल रहा है अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो पता है ना, अगर डेली बॉडी को क्लीन करोगे तो बेड ऑर्डर कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे। अगर डेली बाथिंग करोगे तो बॉडी से बेड ऑर्डर नहीं आएंगे। अगर डेली डिओडोरेंट काम में लोगे, अलग अलग ब्रांडेड कंपनी के अच्छे अच्छे लगाओगे, तो खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। लेकिन कौन सी कंडीशन में आएगी दिक्कत, अवॉइड द बाथिंग, बोल रहा है बाथिंग को अवॉइड कर दो। कब कर दो, जब मेंस्ट्रुएशन आ रहा है। तो याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन के दौरान तो बाथिंग करनी चाहिए, और वार्म वाटर से करनी चाहिए। इंफेक्शन को प्रिवेंट करोगे, बदबू को भी खत्म करोगे, क्लीन करोगे, स्मेल को खत्म करोगे, खुद अच्छे रहोगे, पड़ोसी अच्छे रहेंगे, घर वाले अच्छे से रहेंगे। राइट आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये था डियर, क्वेश्चन ने पूछा था विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्टेप ऑफ द प्रॉपर हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर इन द बोन। हीलिंग ऑफ किसी भी बोन के टूट जाने के बाद उसकी प्रॉपर हीलिंग के लिए कौन चीज जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो फॉर द प्रॉपर हीलिंग, बोले तो घाव को मिलने के लिए फ्रैक्चर वाली बोन के अंदर। पहला बोल रहा है कैल्शियम सप्लीमेंट, तो कैल्शियम सप्लीमेंट तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा दोस्तों, हीलिंग थोड़ी कराएगा। एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो उसके मूवमेंट, ये तो बहुत लेट की बात है, पहले अगर एक्सरसाइज करा दी तो वो हड्डी जुड़ेगी नहीं, जैसे ही आपने जोड़ करके एक्सरसाइज की वो तो टूट गई। कैल्शियम नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, क्या वेस्ट रहेगा, इमोबिलाइजेशन।
करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इमोबिलाइजेशन बोल रहा है, हिलने डुलने को रोक दो ताकि क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा था डियर, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर कंपेरिज ऑल स्टेप एक्सेप्ट। आपसे बोल रहा है लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हो, वाटर को प्यूरिफायर कर रहे हो, सारी चीजें काम में लेंगे एक को छोड़ करके, चाहे लार्ज स्केल काम में लो चाहे शॉर्ट स्केल लो, क्वेश्चन ने पूछा है छोड़ करके कौन सी चीज को काम में नहीं लोगे। पहला बोल रहा है वाटर को स्टोरेज तो क्लीन करना है तो स्टोर तो करना पड़ेगा, वाटर को डिसइंफेक्शन तो डिसइंफेक्शन करना है से ही शुद्धिकरण होगा पानी का, वरना कैसे होगा। नेक्स्ट बोल रहा है फिल्ट्रेशन तो फिल्ट्रेशन भी करेंगे, वाटर को छानेंगे, लेकिन क्या पानी की स्क्रीनिंग करोगे, क्या पानी की स्क्रीनिंग करोगे क्या डियर? नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा? गलत पूछा था और गलत जाएगा सी, गलत पूछा था और गलत क्या जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने, क्वेश्चन ने पूछा था डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवेल ऑफ एवरी। डंपा के बारे में पूरी डील की थी, डिपोक्सीज डंपा का पूरा अपन ने पढ़ा था दोस्तों, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट, इसी का ही दूसरा नाम अंतरा वगैरह डील किया था। कितने टाइम से लगाना पड़ेगा? 3 महीने से लगाना पड़ेगा। कितने महीने तक ये प्रोटेक्शन देगा? 2 वीक नहीं होगा, 3 वीक नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा। डंपा और नेटेन पढ़े थे दो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए। नेटेन पढ़ा था 2 महीने के लिए। सारी बात याद है या नहीं है? करेक्ट आंसर क्या गया था डियर? सी। करेक्ट आंसर क्या गया था? सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ने पूछा था ऑल स्टेटमेंट इज रिलेशन टू द हेलिटोसिस इज करेक्ट। बोल रहा है सारे के सारे स्टेटमेंट हेलिटोसिस के रिगार्डिंग सही है छोड़ करके। मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सेप्ट के सोल्व करवाए थे और पेपर में एक्सेप्ट के क्वेश्चन ही देखने को मिले थे, और करने का तरीका भी बताया था, क्वेश्चन के आगे लिख देना ऐसे मेरी तरह छोड़ करके ताकि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब पहला बोल रहा है बेड ब्रीथ होगी तो हेलिटोसिस का मतलब ही होता है बेड ब्रीथ देखने को मिलेगी। दूसरा बोल रहा है ओडर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये भी बात भी सही है। कार्बन कंपोनेंट प्रोड्यूसिंग द बैक्टीरिया, और लास्ट बोल रहा है सल्फर कंपोनेंट प्रोड्यूसिंग द बैक्टीरिया। हेलिटोसिस के लिए सल्फर रेस्पॉन्सिबल होता है, कार्बन कभी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है डियर। कार्बन कंपोनेंट कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं हेलिटोसिस के लिए। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। आपको गलत पूछा था छोड़ करके पूछा था, तो ए बी और डी करेक्ट है, कौन सा नहीं है? सी नहीं है, कार्बन कंपोनेंट, याद रख लेना दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट, पढ़ाया था, बोला था मार्केट के अंदर गए हो, जाते टाइम क्या कर रहे थे? नैन मटक्का कर रहे थे, उस टाइम में क्या हो गया? डॉग ने आकर के आपको बाइट कर लिया। मैंने बोला था बाइट करने के बाद कुत्ते को मारना नहीं है, 10 दिनों तक उस पर नजर रखनी है, और हाथों हाथ क्या करना है? वुंड को क्लीन करना है। किसके साथ करना है? सूचरिंग करोगे क्या? मैंने मना किया था, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अभी नहीं लगाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन बाद में करेंगे। वॉशिंग द वुंड विद द सोप एंड वाटर, बताया था या नहीं बताया था? राइट आंसर क्या गया था? डी गया था। राइट आंसर क्या गया था? डी गया था। याद है? भूल गए? बातें सारी याद होगी, जो जो एग्जाम्पल दिए थे मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे जिंदगी में, और एग्जाम के दौरान भी नहीं भूले थे, और करेक्ट आंसर करके आए हो, ये मुझे विश्वास है दोस्तों। राइट आंसर क्या गया? डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा था डियर, क्वेश्चन ने पूछा था फोबिया इज एन एग्जाग्रेटेड और अननेसेसरी फॉर्म। किसके बारे में पूछा है? फोबिया के बारे में। फोबिया के बारे में अपन ने पढ़ा था, इज एन एग्जाग्रेटेड और अननेसेसरी फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म होती है? पढ़ा था ना फोबिया दोस्तों, एगेरोफोबिया पढ़ा था, क्लस्टोफोबिया पढ़ा था, एक्रोफोबिया पढ़ा था, निक्टोफोबिया पढ़ा था, गेमेंटोफोबिया पढ़ा था, थेंटोफोबिया पढ़ा था, बेलेनोफोबिया पढ़ा था, और फोबिया की डेफिनेशन ही क्या वर्ड लिया था? इरेशनल फियर। किसके बारे में पढ़ा था? इरेशनल फियर, बोले तो डर लगना, बिना बात का डर लगना ही क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था डियर, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सारा सोल किया था, 50% पहले 8 घंटे में, 50 नेक्स्ट 16 घंटे में। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है विच वन इज द रील ऑफ द पार्कलैंड फॉर्मूला, पूछा था टू एस्टिमेट द फ्लूड रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स। सीवियर बर्न पेशेंट, एक मरीज जिन भाई साहब को मैंने बताया थे बर्न कई प्रकार से होते हैं, और उन बर्न में अंदर भाई अपन ने डील किया था कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या किसके लिए काम में लोगे? फ्लूड के लिए। जी हाँ, फ्लूड थेरेपी के लिए RL सॉल्यूशन काम में लेते हैं। बाकी मैंने बताया था कि बॉडी सरफेस के लिए रूल ऑफ 9 वगैरह काम में लेंगे,
और इसके अंदर क्या करेंगे डियर, क्या बोला था, 4 ml बोला था, जी हाँ 4 ml, 3 ml, 2 ml, 1 ml, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 4 ml वाला जाएगा, 4 ml पर kg बॉडी सरफेस एरिया के साथ टोटल बॉडी सरफेस बर्न क्या एरिया को काउंट करके मरीज को फ्लूड देंगे, यही था पार्कलैंड फॉर्मूला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यही था क्या, जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वेयर इज ए ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ, डिस्कशन किया था 1996 में आई थे यूनिसेफ, और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था कहां दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर, राइट आंसर गया था बी, जिनेवा नहीं होगा, न्यू दिल्ली नहीं होगा, इस्लामाबाद नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था डियर, पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एन एवरेज हेल्थी एडल्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितनी नींद जरूरी है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितनी नींद जरूरी है दोस्तों, 5 घंटे, 3 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे, जल्दी से बताइएगा, किसके बारे में पूछा है, हेल्थी एडल्ट के बारे में पूछा है, नींद लेने के बारे में। अब ये मत बोल देना कि सर मुझे तो 24 घंटे ही नींद अच्छी लगती है, वो वाला नहीं, एक हेल्थी व्यक्ति के लिए बेस्ट आंसर क्या होगा, 7 घंटे अच्छी नींद होगी, चलेगा 5, 3 और 9 नहीं होगा, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था राइज वाटर स्टूल इज ए फाइंडिंग ऑफ द डिजीज, मैंने बताया था आर किस में आता है, कोलेरा में, पी किस में आता है, टाइफॉइड में, पी सूप और राइज वाटर पढ़े थे, राइज वाटर का मतलब चावल के पानी जैसा डायरिया देखने को मिले, और चावल के पानी जैसा किस में देखने को मिला था, कोलेरा में, करेक्ट आंसर क्या गया था बी, अमीबियासिस, टाइफॉइड और अल्सरेटिव कोलाइटिस, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, राइट आंसर क्या गया है, कोलेरा, क्लियर है ना बात, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था विच मेथड ऑफ द स्टेनिंग इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट द एसिड फास्ट बेसिलाई, पढ़ लिया था एसिड फास्ट बेसिलाई को स्टेनिंग किससे करोगे, स्टेनाइंग का मतलब क्या हो गया, स्टेन करके पता कर रहे हो कि उसके अंदर क्या पाया जाएगा, और इसके अंदर ग्राम स्टेनिंग करोगे, पाउंडर स्टेनिंग करोगे, जील नेल्सन करोगे या अल्बर्ट स्टेनिंग करोगे, कमेंट फास्ट डियर कौन सी स्टेनिंग करके आए हो, जवाब क्या देकर के आए हो, कई बच्चे तो अभी कोलेरा पे अटके हुए हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाते जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चनों तक पहुंचते जाएगा, ऐसे नहीं आप पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या कौन सी स्टेनिंग, जील नेल्सन स्टेनिंग काम में लेंगे, करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी, ए बी और डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर सी, ट्यूबरकुलोसिस के दौरान पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेसेज 100 डे कफ इज यूज फ्रॉम विच डिजीज, 100 दिन वाली खांसी बताई थी, 100 दिन वाली खांसी किसको बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस को नहीं बोलेंगे, मीजल्स नहीं, डिप्थीरिया नहीं, इसी को ही क्या बोलते हैं वूफिंग कप, और इसी को ही बोला जाता है पर्टुसिस, इसी को ही क्या बोलोगे डियर, वूफिंग कप, और इसी को ही बोला जाता है पर्टुसिस, याद था यार, भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था बाइल इज फॉर्म बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बाइल का फॉर्मेशन मैंने बताया था, फॉर्मेशन अलग जगह होता है, स्टोरेज अलग जगह होता है, स्टोरेज तो होता है गोल ब्लैडर में, और फॉर्मेशन कहां होता है, लीवर से होता है, बताया था 500 ml होता है और गोल ब्लैडर में 50 ml स्टोर होता है, याद है या भूल गए, तो बाइल का बनाएगा फॉर्मेशन कौन करेगा, लीवर करेगा, पैनक्रियाज इंसुलिन का करेगा, गोल ब्लैडर इसको स्टोर करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, डाइजेशन वगैरह का काम करेगा, क्लियर हो गई, राइट आंसर क्या जाएगा, लीवर जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने, क्वेश्चन ने क्या पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा था एनी रिलेटिव परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर ब्रॉट अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द प्रैक्टिस इज कॉल्ड, आपके जीवन के अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाना किसके अंदर आ जाना, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के द्वारा, ये क्या कहलाएगा डियर, उसको मैच्योरेशन बोलोगे, उसको मोटिवेशन बोलोगे, लर्निंग बोलोगे या ऑब्जर्वेशन बोलोगे, कमेंट फास्ट डियर क्या जवाब जाएगा, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों के सी जवाब आ रहे हैं, बोले तो लर्निंग, राइट आंसर क्या जाएगा, मैच्योरेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या गया था, लर्निंग, राइट आंसर रहेगा सी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज यही देकर के आए हो, दूसरा तो जवाब नहीं दे दिया, मैच्योरेशन नहीं होगा डियर, लर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया था, क्वेश्चन ने पूछा था हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर विटामिन हेपेटाइटिस बी का शेड्यूल पूछा था कितना होगा, 1-2 मंथ, 2-4-6 मंथ, 0-6-12 महीने और 1-6 महीने,
कमेंट फास्ट ईयर इसका क्या जवाब देकर के आए, हिपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कर रहे हो, किसके अंदर कर रहे हो, एडल्ट के अंदर कर रहे हैं, बोले तो भाई साहब के अंदर कर रहे हैं, और क्या क्या कब कब लगाओगे, कितनी कितनी लगाओगे, क्यों क्यों लगाओगे, हिपेटाइटिस बी से रोकने के लिए लगाएंगे 0.5 लगाएंगे, और कब लगाओगे 0-1-6 महीने पे लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी, ए बी और सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी जाए डी जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आप लोगों के सामने बोला था इन दोनों ऑप्शन को मैच करें, कॉग्नेटिव के अंदर किसके कारण देखने को मिलेगा, कॉग्नेटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्नेटिव होती है नॉलेज के अंदर, अफेक्टिव देखने को मिलती है एटीट्यूड के अंदर, और साइकोमोटर लर्निंग देखने को मिलती है स्किल के अंदर। करेक्ट आंसर क्या गया था, 2-3-1 वाला ऑप्शन क्या गया था दोस्तों, बी करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोजेज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ईपीएस के बारे में पढ़ा था दोस्तों, ईपीएस साइकेट्री की क्लास के अंदर, ईपीएस के साइड इफेक्ट किस ड्रग के कारण देखने को मिलेंगे। पहला बोल रहा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर, एंटी साइकोटिक, एंजियोलाइटिक या मूड स्टेबलाइजिंग, बोला था ना उसके अंदर पार्किंसोनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकेथीसिया वगैरह देखने को मिलता है। जी हाँ, कुत्ते के जैसी जबान निकल आना क्या कहलाता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया, भूले तो नहीं हो ना। ईपीएस किसके कारण देखने को मिला, एंटी साइकोटिक के कारण, करेक्ट आंसर जाएगा बी, एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक और मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था, डियर विच डिजीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, कौन सी बीमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, माइग्रेन है या हुकवाम है, कौन सी बीमारी है दोस्तों पर्सनल हाइजीन से। स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी के कारण, रिकेट्स होता है डी की कमी के कारण, माइग्रेन आपका हेडेक को बोलते हैं, और कौन सी बीमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, हुकवाम। करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, डी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था, हिंड मिल्क ऑफ द मदर इज ब्रेस्ट रिच, हिंड मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चीज देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा धनवान हिंड मिल्क में क्या देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन था फैट अलोंग विद द विटामिन ए एंड ई, दूसरा था विटामिन और मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होगा या लैक्टोज होगा। हिंड मिल्क के अंदर कौन सी चीजें देखने को मिली, तो इसके अंदर हाइएस्ट होता है दोस्तों फैट, विटामिन ए और ई। जी हाँ, ए किसके लिए, आंखों के लिए, ई किसके लिए, रूप सौंदर्य के लिए, चेहरे की सुंदरता के लिए, करेक्ट आंसर गया था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिला था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज ए केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, आपसे कौन सा काम में नहीं लोगे दोस्तों, केमिकल मेथड के अंदर पूछा था, केमिकल एंटीसेप्टिक कौन सा यूज नहीं करोगे डिसइंफेक्टेंट के लिए। पहला दिया था फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, फॉर्मेलिन अपन ने पढ़ा था, फिनोल अपन काम में लेते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड लेते हैं, लेकिन बेंजेन हेक्साक्लोराइड नहीं लिया जाता, ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लेते हैं, इसके बीज वाले मरीज के अंदर वुंड की क्लीनिंग को काम में लिया जाता है। राइट आंसर क्या गया था दोस्तों, सॉरी आपसे पूछा था नॉट, बोले तो गलत आंसर पूछा था, ए बी और सी ये तो काम में लेते हैं, डी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था दोस्तों, जल्दी से पढ़ के जवाब दीजिएगा क्या रहेगा आंसर। तो यहां पे क्वेश्चन है आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूड इन अपकार स्कोर, सिंपल कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन था, अपकार स्कोर के बारे में पूछा है, और अपकार स्कोर के अंदर पांच चीजें आती है, याद रख लीजिएगा, अपकार स्कोर में हमने पढ़ा था पांच चीजें आती है, ए पी जी ए और आर इसको कहते हैं, और ए का मतलब हमने पढ़ा था अपीयरेंस होता है, पी का मतलब होता है पल्स रेट, जी का मतलब यहां पर क्या होता है ग्रीमेस, ए का मतलब यहां पर क्या होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है रेस्पिरेशन।
ये पांच कंपोनेंट अपकार स्कोर में होते हैं और इनके अलावा कौन सा नहीं होता, ये क्वेश्चन ने पूछा। तो इजी क्वेश्चन था और आसानी से जवाब दिया जा सकता था और होप सो आपने बिल्कुल सही किया होगा। हार्ट रेट इसमें आती है सर, मसल की टोन आती है, जो ग्रीमेस होती है उसमें हम मसल की जो एक्टिविटी होती है उसमें मसल की टोन ही चेक करते हैं, और कलर ऑफ दी बॉडी जो होता है वो अपीयरेंस के अंदर देखते हैं हम। कलर ऑफ दी बॉडी अपीयरेंस में हो गया और पल्स रेट को ही हम हार्ट रेट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब तीन कंपोनेंट तो अपकार स्कोर में होते हैं लेकिन जो नहीं होता है वो पूछा गया था, तो ब्लड प्रेशर इज नॉट द पार्ट ऑफ अपकार स्कोर। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका बी था, ब्लड प्रेशर अपकार स्कोर का पार्ट नहीं होता है। न्योनेटल असेसमेंट के लिए यूज करते हैं हम अपकार स्कोर को और न्योनेटल असेसमेंट में अपकार स्कोर में ब्लड प्रेशर जो है वो कंपोनेंट में नहीं आता है और बाकी तीनों कंपोनेंट में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। आसान क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ब्लड की स्पिलिंग होती है, स्पिलिंग ऑफ द ब्लड, मॉपअप का मतलब होता है पोचा लगाना, मॉपअप का मतलब होता है पोचा लगाना, और जो स्पिल्ड हो गया ब्लड, स्पिल्ड ब्लड का मतलब है जो ब्लड गिर गया, गिरे हुए ब्लड को उस ब्लड को क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, पोचा लगाने के लिए आपको फ्लोर, ऑपरेशन थिएटर का फ्लोर जो है वो किससे क्लीन करेंगे। पहला यहाँ पे है साइडेक्स, दूसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड था, एक था सेवलॉन और एक था फॉर्मेलिन। तो इजी क्वेश्चन था, इजी आंसर था और सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। आपको पता हो तो ब्लड का स्प्लिंग जो होता है उसको हमेशा ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ब्लड की स्प्लिंग को क्लीन करने में काम में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। साइडेक्स यहाँ पे नहीं बनेगा, सेवलॉन और फॉर्मेलिन नहीं बनेगा। साइडेक्स को यूज करते हैं ज्यादातर बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको जो है क्लीन रखने के लिए, ग्लूटाल्डिहाइड के नाम से इसको हम जानते हैं, और फॉर्मेलिन काम में लिया जाता है जो है बायोप्सी वगैरह जब लेते हैं तो उसको मतलब लेबोरेटरी में सेंड करने के लिए फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो करेक्ट आंसर था। और जैसा सभी लोगों के जवाब दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है उसको आप अच्छी तरीके से करके आए हैं और रिजल्ट भी आपके अनुकूल होने वाले हैं। आप इस पूरे सेशन के द्वारा अपने सारे आंसर को बनाइएगा और आप पता करिएगा कि आप किस स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था और एक एक क्वेश्चन के जवाब भी आप लोगों ने सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन था कि विच वन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन जो है, आईएम इंजेक्शन की प्रीफर्ड साइट पूछी है अंडर 5 ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर। आईएम इंजेक्शन की साइट पूछी है अंडर 5 चिल्ड्रन के अंदर, 5 साल से छोटे बच्चे जो है उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो कौन सी साइट पे लगाएंगे। पहला लिखा हुआ है डेल्टोइड साइट, दूसरा है वास्टस लैटरलिस, तीसरा है वेंट्रोग्लूटियल साइट और चौथा है डोर्सोग्लूटियल साइट। आई थिंक इसका जवाब कहीं गलत नहीं किया होगा आपने, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, अंडर 5 बच्चे के बारे में पूछा था और आपको पता हो तो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट एज हम पढ़ते हैं, या वो उम्र जिसके अंदर जो है बच्चा जो है उसमें वेल डेवलप्ड फैट नहीं होता है, तो उन बच्चों के अंदर हम कौन सी साइट आईएम इंजेक्शन में काम में लेते हैं, वास्टस लैटरलिस, बी इज द करेक्ट वन। बहुत इजी क्वेश्चन था, वास्टस लैटरलिस साइट जो होती है, वास्टस लैटरलिस मसल, मिड थाई की मसल भी बोलते हैं इसको, मिड थाई की मसल भी बोलते हैं, लैटरल साइड पे होती है, वहां पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं आईएम इंजेक्शन, और उसका रीजन होता है टू प्रिवेंट नर्व इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, और नर्व इंजुरी ना हो इसके लिए इसी साइट को हम प्रीफर करते हैं। इसलिए इसका आंसर भी क्या था, बी था। एक बात आपने नोट की होगी कि इस एग्जाम के अंदर बी ऑप्शन कई सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर थे, तो ये बाद में पता चलता है, इससे संयोग एक ऐसा संयोग रहा होगा, लेकिन हाँ बी आंसर कई सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर थे। तो अगर आप लोगों ने जो है बी आंसर को ही अपना जो है पॉइंट आउट किया, कहीं समझ में नहीं आ रहा था, तो शायद सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा पहले पता नहीं होता है, कॉमन सेंस उस समय काम करता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डेल्टोइड वेंट्रोग्लूटियल या डोर्सोग्लूटियल आंसर में नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन था, विच वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, आंख के अंदर होने वाली बीमारी है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, बच्चों में पाई जाती है, पीडियाट्रिक में हमने पढ़ा था, ये आई की एक डिजीज है, आई की डिजीज है, और जब बच्चा बर्थ होता है तो मदर के वुम्ब से जब वो बाहर निकलता है तो मदर के वेजाइनल सिक्रीशन से एक्सपोज होता है, और अगर मदर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, एसटीडीज थी, गोनोकोकस था, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस का इन्फेक्शन था, तो बच्चे को ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो जाता है ना। तो यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट ही पूछा था, क्लेमाइडिया, कैंडिडा, स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। तो हमने बोला दो एजेंट यहाँ पे होते हैं एसटीडी के, एक तो क्लेमाइडिया होता है
और दूसरा आपका जो है गोनोकोकस होता है, गोनोकोकस होता है, ये हमने पढ़ा था। तो क्लेम आइडिया और गोनोकोकस में यहाँ पे क्या एक ऑप्शन में आया हुआ था, क्लेम आइडिया ट्रेकोमेटिस आया हुआ था, तो यहाँ भी आपको जवाब देने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ए यहाँ आंसर करेक्ट था, क्लेम आइडिया इज द आंसर, ए इज द करेक्ट वन, जो कि ऑप्थेल्मियो न्यूनेट्रम का कोजेटिव एजेंट बनता है। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो ओरल थ्रस्ट करता है, ओरल थ्रस्ट जो बच्चे में फंगल इन्फेक्शन है माउथ का। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और स्किन के इन्फेक्शन करते हैं, रेस्पिरेटरी और स्किन के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी एंड स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको करने का काम ये करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस इसका करेक्ट आंसर था, ए आंसर बनेगा, बी सी ओ डी तीनों ही गलत थे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में, एनेस्थीसिया के तीन टाइप हमने पढ़े थे, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने पढ़ा था, सॉरी जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने पढ़ा था रीजनल एनेस्थीसिया के एक टाइप होता है जिसमें लंबर एरिया के अंदर पंचर करके लगाया जाता है। तो सवाल ने आपको पूछा कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसको आप देंगे और कौन से लेवल के स्पाइनल कोड के ऊपर आप प्रिक करके इसको देंगे। पहला लिखा हुआ L2, L4, L3, L4, L5, L6 और L1, L2। अगेन वही खास बात, वही इंपॉर्टेंट बात कि हम जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया जब देते हैं तो लंबर पंचर करते हैं, क्या करते हैं लंबर पंचर करते हैं, मतलब लंबर वर्टिब्रा के अंदर पंचर करते हैं। और वहां पे पंचर करने के लिए हम लैटरल पोजीशन देते हैं जिसमें नी फ्लेक्स रहते हैं चेस्ट के ऊपर और नेक का फ्लेक्शन करते हैं ताकि जो आपकी बैक है वो ऐसे बाहर की तरफ निकले। वहां पे स्पाइनल नीडल काम में लेते हैं, स्पाइनल कोड जो होती है वो L1 वर्टिब्रा पे खत्म हो जाती है और उसके नीचे का जो स्पेस हम यूज लेते हैं वो कॉमनली यूजेबल स्पेस जो थोड़ा वाइड होता है और जो कॉमन साइट होती है और जो बच्चों और बड़ों में दोनों में काम में ले सकते हैं वो साइट होती है L3 और L4। कौन सी साइट होती है? L3 और L4। अगेन आंसर बी यहां पे करेक्ट था और सभी लोगों के जैसे जवाब मिल रहे हैं, सभी लोगों ने सही किया है, बी यहां पे करेक्ट आंसर था। ए सी और डी यहां पे जवाब नहीं बनेगा, वाइड होने की वजह से और बच्चों में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड L3 लेवल पे खत्म होती है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे बी था और ये L3 और L4 वहां पे लेवल था। स्पाइनल एनेस्थीसिया में लंबर पंचर इस वर्टिब्रा पे करके और वहां पे इंजेक्ट किया जाता है जो है आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन द कोड बिलो, इस कोड से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था, साइकोलॉजी का सवाल था, है कि नहीं है? साइकोलॉजी का सवाल था, करेक्ट आंसर यहां पे सेलेक्ट करना था। अब देखिएगा, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस चार ऑप्शन में थे और चार तरीके के यहां पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, इनको आपको मैच करना था। तो देखिएगा, मोटिवेशन पहला है साइकोलॉजिकल अपसेट, जब आदमी साइकोलॉजिकली अपसेट होता है, जब आदमी साइकोलॉजिकली अपसेट होता है इसका मतलब वो आदमी किस में है, वो स्ट्रेस के अंदर है। तो साइकोलॉजिकल अपसेट जो है इसका संबंध तो स्ट्रेस से होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ टू और मोर, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर कॉन्फ्लिक्ट, देखिएगा एक वर्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट से मिला दो, सेकंड जो है उसको सी से मिला दो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाले का कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक ऑप्शन देखिएगा, ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड, अपनी नीड और डिजायर को ब्लॉक करना, तो नीड और डिजायर ब्लॉक हो गई, मोटिवेशन या फ्रस्ट्रेशन, तो किसी आदमी की नीड और डिजायर जो है वो ब्लॉक हो जाती है इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। जब आपकी नीड और डिजायर ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। और एक ऑप्शन लिखा हुआ यहां पे एनर्जिंग और अटेंड सम स्पेसिफिक गोल, तो स्पेसिफिक गोल को अटेंड करने के लिए जो एनर्जी होती है जो आपके अंदर थी इस एग्जाम को देने से पहले और उसी एनर्जी ने आज काम किया, उसी एनर्जी ने 2 घंटे काम किया 11 से 1 और आपने इस एग्जाम को राफेल की तरह दौड़ा डाला और एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को भगा भगा के आपने जो है पीटा है, मुझे अच्छे से पता, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका गया है। तो ये मोटिवेशन ही था जो आप लोगों के अंदर ये एनर्जी भर रहा था और आपने अपना एक स्पेसिफिक गोल आज अटेंड कर लिया जिसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमें पता है कि हमारा रिजल्ट क्या होना था। तो यहां पे बहुत पहला है ए का क्या हो गया, चौथा, याद रखिएगा ए के अंदर जो है चौथा है, ये चौथा इसका मतलब ए और डी में से होगा। सेकंड जो बी है, बी का आंसर होना चाहिए तीसरा, तो यहां पे तीसरा है लेकिन यहां पे नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये दो तो वैसे भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए का हो गया चौथा, बी का हो गया तीसरा, सी जो है उसका हो गया दूसरा और डी जो है उसका हो गया पहला। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बन गया आपका? ए बन गया। आपको
मिलान करना था, साइकोलॉजी का सवाल था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन द सर्वाइकल ओस इज रिमेन क्लोज एंड देर इज नो पासेज ऑफ टिश्यू। सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज है और टिश्यू का पासेज नहीं हुआ है, अबॉर्शन का टाइप यहां पे पूछा है, ओस क्लोज है। पहला लिखा है कंप्लीट अबॉर्शन, दूसरा लिखा हुआ है इनइवाइटेबल अबॉर्शन, तीसरा लिखा हुआ है इनकम्प्लीट अबॉर्शन और चौथा लिखा हुआ है थ्रीटर्नड अबॉर्शन। चार है और ओस क्लोज है और पासेज जो कोई टिश्यू का पासेज नहीं हो रहा, इसका मतलब अबॉर्शन हुआ नहीं है लेकिन अबॉर्शन होने की धमकी दे रहा है। ऐसा अबॉर्शन जिसमें ओस क्लोज होता है उसको किस अबॉर्शन के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एंड दैट काइंड ऑफ अबॉर्शन इज नोन एज थ्रीटर्न अबॉर्शन। वेरी गुड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ये थ्रीटर्न अबॉर्शन कहलाता है। ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल को भी सही किया होगा, कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है, ओस तो क्लोज पड़ा है, ए नहीं होगा, इनइवाइटेबल भी नहीं है और इनकम्प्लीट भी नहीं है, इस अबॉर्शन को हम थ्रीटर्न अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने था व्हाट इज द टोटल आयरन दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी। एवरेज प्रेगनेंसी के दौरान टोटल आयरन की कितनी जरूरत होती है, ये क्वेश्चन ने पूछा था, टोटल आयरन की जरूरत कितनी होती है, 300, 800, 1000 और 1200। आयरन की जरूरत कितनी थी प्रेगनेंसी में, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत क्लियर था और प्रेगनेंसी में आयरन की नीड पूछी थी, प्रेगनेंसी में टोटल आयरन कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो कैल्शियम और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में 1000 होती है, है 1000 इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, सी था, ए 300, 800 या 1200 यहाँ पे गलत स्टेटमेंट था। द आयरन दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज 1000, तो सी इज द करेक्ट वन, ए बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, सवाल बड़े जबरदस्त थे। ये है द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट टू गैस गैंग्रीन इज, याद रखिएगा गैंग्रीन के टाइप से क्वेश्चन बना था और गैंग्रीन ड्राई भी होता है और गैंग्रीन जो है वो वेट भी होता है और एक गैंग्रीन गैस गैंग्रीन होता है। ड्राई गैंग्रीन जो है, ड्राई गैंग्रीन जो होती है वो ड्राई गैंग्रीन का मतलब तो होता है कि जब आपका कोई मतलब कोई इंजरी हुआ और उस घाव को आपने अगर पट्टी नहीं किया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से उसका ब्लैकिश हो जाना ड्राई गैंग्रीन है। उसमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वही गैंग्रीन वेट गैंग्रीन बन जाता है और एक ऐसा स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसके इन्फेक्शन होने पे वहाँ पे टिश्यू के अंदर गैस फॉर्मेशन करने लग जाना उसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। एंड दैट कॉजेटिव एजेंट कौन सा रहेगा, यही क्वेश्चन ने पूछा था कि गैस गैंग्रीन का कॉजेटिव एजेंट क्या है और गैस गैंग्रीन का कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस। ये है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस, द करेक्ट आंसर इज परफिंजेस, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर गैस गैंग्रीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए करेक्ट आंसर बन जाएगा क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस। ग्राम नेगेटिव नहीं रहेगा, साल्मोनेला टाइप ही नहीं होता है जो टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट है और एचआईवी जो है वो एड्स का कॉजेटिव एजेंट है, तो ये एड्स के लिए है, ये टाइफाइड के लिए। और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई तो आपका जो है एच पाइलोरी होता है, ई कोलाई होता है, एच पाइलोरी जो गैस्ट्राइटिस करता है उसका भी क्वेश्चन था और ई कोलाई जो यूटीआई करता है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए दैट इज क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मे अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायामिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थायामिन की डेफिशिएंसी से क्वेश्चन था, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है हमने पढ़ा था B1, B2, B3, B5, B6, इसके अलावा हमने पढ़ा था B7, B9 और B12, सारे विटामिन पढ़े थे और हमने ये भी पढ़ा था कि तेजाराम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की, यही तो हमने पढ़ा था। और ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, इस सारे विटामिन जो है ना, सारे विटामिन जो है उसको हमने डिटेल से वहाँ पे पढ़ा और इसमें थायामिन जो विटामिन है जो B1 है इसको हमने पढ़ा और इस थायामिन की कमी से बच्चों में होती है बेरी बेरी, यही क्वेश्चन ने पूछा था। थायामिन की डेफिशिएंसी से जो विटामिन B1 होता है और उससे क्या होता है, तो B1 से बेरी बेरी, B1 और बेरी बेरी, ड्राई और वेट बेरी बेरी। इसके अलावा राइबोफ्लेविन के बाद में B3, ये राइबोफ्लेविन था और राइबोफ्लेविन के बाद में B3 जो नियासिन होती है उस नियासिन की डेफिशिएंसी से पहले ग्रह होता है, ये हमने पढ़ा था। और इसके अलावा
भी इस पैलेग्रा के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि 3D साइन होते हैं जिसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और वही 4D हो गया जिसमें डेथ भी हो जाती है। तो डर्मेटाइटिस इसी पैलेग्रा के एक साइन था जिसके अंदर केजल नेकलेस बनता है। क्या बनता है? केजल नेकलेस बनता है, आपको पता हो तो, ये भी सिम्टम हमने पढ़ा था वहां पे। और स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी, ये स्कर्वी बीमारी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाना चाहिए? ए बन जाना चाहिए, बेरी बेरी, थायामिन की कमी से होता है। किसी ने गलत नहीं किया होगा, आई थिंक इजी क्वेश्चन था। और हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज होती है, यहां पे क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, इन विच ईयर पॉस्को एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? पॉस्को एक्ट जो है वो कब पास हुआ इंडिया में? फटाक से जवाब लिखिएगा। पॉस्को एक्ट कब पास होता है, ये जवाब लिखिएगा, क्या आंसर होना चाहिए पॉस्को एक्ट। पांच, बारह, दस और नौ, चार ऑप्शन यहां पे लिखे हैं, क्या आंसर होना चाहिए? बहुत अच्छे, सभी लोगों ने सही जवाब लिखा है। 2012 के अंदर पॉस्को एक्ट वहां पे इंडिया के अंदर पास हुआ था, पॉस्को एक्ट, और यह आंसर क्या रहेगा? 2012। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज, मैनिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यहां पे क्या होना चाहिए? मैनिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यहां पे क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है पूछा है। पहला है बेंजोडाइजेपाइन, दूसरा है हेलोपेरिडोल, तीसरा है लिथियम और चौथा है नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मैनिया का? मैनिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है लिथियम, सी यहां पे करेक्ट आंसर है। मैनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, मैनिया जो है बाइपोलर डिसऑर्डर की एक बीमारी है, ये हम पढ़ते हैं वहां पे, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? लिथियम। लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। बेंजोडाइजेपाइन जो होती है जिसके पीछे लाम पाम जाम लगता है, ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, हमने पढ़ा था वहां पे साइकेट्री के अंदर, ये एक एंटी एंजाइटी एजेंट कहलाता है। और इसके अलावा हेलोपेरिडोल जो है वो एक एंटी साइकोटिक एजेंट है, एंटी साइकोटिक एजेंट है हेलोपेरिडोल, एंटी साइकोटिक एजेंट है हेलोपेरिडोल। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लिथियम। और लिथियम जो है ये यहां पे बेंजोडाइजेपाइन, सॉरी जो है आपका मूड स्टेबलाइजर है, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है, सी करेक्ट आंसर था। ए बी ओ डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, आई थिंक सभी लोगों ने सही किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन ए 2 to 12 month बेबी, वो कौन सी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंडिकेट करती है निमोनिया को? निमोनिया अगर बीमारी हो गई है तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? टेकीपनिया देखने को मिलेगा। निमोनिया अगर हो गया है तो बीमारी कौन सी रहेगी? टेकीपनिया रहेगी। तो टेकीपनिया में मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट का फास्ट होना, यही आपको कंसेप्ट पकड़ना था। और अगर आपने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया कि भाई निमोनिया हो गया तो टेकीपनिया है, तो टेकीपनिया में रेस्पिरेशन रेट कितने से ज्यादा होनी चाहिए? तो पहला है मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40 और मोर देन 30। याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 30 से 60 होती है, 30 to 60। एवरेज जो होती है वो 40 होती है रेस्पिरेशन रेट। तो अगर रेस्पिरेशन रेट 30 से कम होती है उसको ब्रेडीपनिया कहते हैं, और 60 से ज्यादा होती है उसको टेकीपनिया के नाम से जानते हैं। टेकीपनिया का ही क्वेश्चन था, तो 60 से ज्यादा करना था, ए करेक्ट आंसर था, बी सी और डी ये गलत स्टेटमेंट थे। तो आप कहोगे कि सर 2 से 12 महीने दिया हुआ था, तो ये एज जो है वो कंफ्यूजन के लिए दी जाती है, आपको न्यूबॉर्न के हिसाब से ही चूज करना था। और करेक्ट आंसर टेकीपनिया 60 से ज्यादा रेस्पिरेशन रेट के लिए यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपको पूछा गया था, क्लोर फ्लोरोकार्बन CFC जो होती है वो वाइडली यूज करते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं? प्रोपोलेंट, हीटर्स, कूलेंट और कंडक्टर्स। CFC जो होती है, क्लोर फ्लोरोकार्बन जो होती है, क्लोर फ्लोरोकार्बन जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है उसको किस में वाइडली यूज करते हैं? आप ये हमने कई बार छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन की परत के अंदर जो है छेद करने का काम करती है, ये आपने कई बार सुना होगा। तो रेफ्रिजरेटर मतलब वो जगह जहां पे ठंडा का होता है, फ्रिज उसको बोलते हैं, कूलेंट उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर था, इसको कूलेंट कहते हैं। गाड़ीज के अंदर भी ये कूलेंट यूज किया जाता है जो है ठंडे इंजन को ठंडा रखने के लिए, तो दैट इज द कूलेंट। तो करेक्ट आंसर सी था, ए बी ओ डी तीनों ही गलत स्टेट स्टेटमेंट थे, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होते हैं जो रेस्पिरेटरी के थ्रू स्प्रेडिंग होती है, कोई खांसता है कोई छींकता है तो ये फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, जैसे COVID-19 ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का स्प्रेडिंग था। तो उसके अंदर क्या यूज किया आपने, ग्लव्स, मास्क, गाउन और शू कवर। तो आपने देखा होगा साफ इंस्ट्रक्शन है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो एक तो दूरी रखनी है और एक मास्क यूज करना है, तो मास्क है जरूरी, दिस इज द मास्क, बी इज द करेक्ट वन, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो बी करेक्ट आंसर था, ग्लव्स, गाउन और शू कवर से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होता है। सभी लोगों ने सही जवाब लिखे होंगे, जिस तरीके से आपके जवाब और कमेंट बॉक्स चल रहा है इंडिकेट करता है कि इस बार तैयारी बड़ी खतरनाक थी और उस तैयारी ने आज के इस पेपर का जो है वो पूरे तरीके से घमासान के साथ में सामना हुआ है और रिजल्ट अपने ही पक्ष में होंगे, याद रखना। सवाल कह रहा है ए कंडीशन इन विच 4 स्किन ऑफ पेनिस, पीडियाट्री का क्वेश्चन है, पेनिस की जो 4 स्किन होती है so much narrow that is cannot be retracted over the glans penis, glans penis से जो skin होती है ऊपर की तरफ जो पाई जाती है 4 skin वो retracted नहीं हो रही है, वो इतनी narrow होगी कि retracted नहीं हो रही है, क्या होगा, cryptorchidism, phimosis, epispadias और none of the above। easy question था, पीडियाट्री के अंदर से क्वेश्चन था, और जब पेनिस के ऊपर ग्लांस पेनिस की जो 4 स्किन है वो अगर रिट्रैक्टेड नहीं होती है तो उसको हम फाइमोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइमोसिस, और एक वर्ड होता है पैराफाइमोसिस जिसमें एक बार रिट्रैक्ट होकर वापस अपनी जगह पे स्किन नहीं जाती है उसको पैराफाइमोसिस कहते हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म का मतलब था अनडिसेंडेड टेस्टिस, जब टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाते तो उसको क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं, हिडन टेस्टिस बोलते हैं, और एपिस्पेडियस का मतलब होता है कि जो आपकी ओपनिंग है यूरेट्रल ओपनिंग है वो आपकी जो है ऊपर की साइड से मतलब वेंट्रल ओपनिंग होती है तो उसको एपिस्पेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी था, दैट इज योर फाइमोसिस। अगला क्वेश्चन था इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन, बहुत अच्छे से साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमने पढ़ी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी उन भाई साहब ने आपको बताया कि ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटल, ऐसी 4 स्टेज होती है, एक होती है ओरल, एक एनल, एक फेलिक, एक लेटेंसी और जेनेटल। फाइमोसिस की सर्जरी जो होती है जो है उसको सरकम सीजन के नाम से जानते हैं, सरकम सीजन सर्जरी है फाइमोसिस के लिए किया जाता है। तो जो ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटल थी, जो ओरल स्टेज थी उसके अंदर तो बच्चे का जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है ओरल एरिया है, एनल के अंदर एनल एरिया था, फिर हमने फेलिक स्टेज पढ़ी थी और हमने बताया था कि पहली बार बच्चा जो है अपने ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्ट होता है और एक मेल चाइल्ड का मदर के प्रति अट्रैक्ट होना ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मेल का मदर के प्रति अट्रैक्ट होना ये क्या कहलाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो इस क्वेश्चन में मेंशन था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मेल का मदर के प्रति अट्रैक्शन। तो कौन सी स्टेज थी, फेलिक, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी, जो ओरल स्टेज में नहीं होता है और न ही एनल स्टेज में था, और जेनाइटल स्टेज जो थी लेटेंसी के बाद आती है और इस जेनाइटल स्टेज के अंदर जो इंडिविजुअल है ओपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है वो ओपोजिट सेक्स पेरेंट्स नहीं होता है, वो मेल का फीमेल और फीमेल का मेल के प्रति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था वो फेलिक था, ए सी ओ डी जो है वो कितने ही गलत जवाब थे, और हमने ये जो है लास्ट लेक्चर जो था प्रिपरेशन का उसके अंदर ही डिस्कस किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, हमने बताया था क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट, ऑक्सीजन की नेजल कैनुला से रिकमेंडेड फ्लो रेट क्या होगी आपकी नेजल कैनुला से। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1 से 4 लीटर, दूसरा है 4 से 6 लीटर, तीसरा है 6 से 8 लीटर और चौथा है 8 से 10 लीटर। याद रखिएगा कि यहां पे जो 4 चीजें लिखी हुई है उसमें 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, तो जो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दी जाती है उसमें जो है मिनिमम जो हम पढ़ते हैं तो वैसे तो 2 to 6 होता है, कई जगह लिखा है, मैं 0 से 6 भी बोलूं तो गलत नहीं है, लीटर पर मिनट के हिसाब से हम यहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप नेजल कैनुला से मैक्सिमम 6 है ना और मिनिमम 0 और 2 कर सकते हैं, तो यहां पे 1 से 4 था और 4 से 6 था, तो वैसे 4 तक लेकिन मैक्सिमम आप 6 तक दे सकते हैं, इसलिए ए आंसर नहीं बनेगा। क्या आंसर बनेगा, बी बनेगा 4 to 6 liter per minute, सी और डी भी यहां पे गलत जवाब है क्योंकि हम 2 से 6 या 0 से 6 liter per minute बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, जो क्या लिखा हुआ है
4 to 6 liter पर मिनट, याद रख लीजिएगा। इसलिए बी आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम को हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप कह देते हो कि 1 से 4, तो इसका मतलब 5 गलत है क्या? क्या 5 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला डिलीवर नहीं कर सकता? तो हाँ कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 6 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो मिनिमम 4 तक करता है और मैक्सिमम वो 6 तक कर सकता है, करता है और कर सकने में फर्क है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ए आंसर नहीं रहेगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन। इस दिन WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और आपको पता है WHO एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल को। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दूसरा लिखा हुआ है, 7 तीसरा 11 और चौथा 1 दिसंबर। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए और याद रखिएगा WHO जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई थिंक ये किसी ने जवाब गलत नहीं किया होगा, बी यहां पे करेक्ट आंसर है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपको तो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे भी क्या था? बी ही था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉर्ड रिमेन अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लासेंटा। कॉर्ड जो है वो प्लासेंटा में कहां अटैच हो गई है? मार्जिन पे। तो आपको ये लिखना था कि मार्जिन पे जब कॉर्ड अटैच हो जाती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल अटैचमेंट ऑफ कॉर्ड इज नोन एज बैटल डोर प्लासेंटा। क्या बोलते हैं इसको? बैटल डोर प्लासेंटा। तो यहां पे करेक्ट आंसर ए था, ये सुसिनेटा नहीं होता है, वाल्मेंटस नहीं होते और नन ऑफ द अबव नहीं होते। आपको प्लासेंटा की जो अबनॉर्मलिटी है उसमें अलग अलग टाइप्स वहां पे बताए थे, और जब कॉर्ड का अटैचमेंट मार्जिन पे होता है उसको बैटल डोर प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। ए करेक्ट आंसर था, सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ए मैन। किसी भी आदमी की फिजिकल सोशल एंड कल्चरल स्टडी का स्टडी करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, फिजिकल सोशल और कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ए मैन, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और मैन के लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है वो एंथ्रो वर्ड काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था एंथ्रोपोलॉजी, बी यहां पे करेक्ट आंसर था। मैन की फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मेरे हिसाब से आपने सोशियोलॉजी क्या होगा, पर स्टडी ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी को बोलते हैं। सोशियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है, याद रखिएगा। स्टडी ऑफ सोसाइटी को सोशियोलॉजी कहते हैं। स्टडी किसी आदमी की फिजिकल सोशल और कल्चरल स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी नहीं होता है दोस्त, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। क्यों? एक्यूचुरेशन नहीं बोलते हैं और इसको जो है सोशियोलॉजी नहीं बोलते हैं। सोशल साइंस तो बिहेवियर साइंस होता है, तो सोशियोलॉजी जो होता है वो आपका स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है। एक्यूकल्चरेशन मैंने बोला कि कल्चर का खराब हो जाना, ये एक्यूकल्चर कहलाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर बी था, एंथ्रोपोलॉजी। ए सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट थे। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लिएस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। क्विकनिंग इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। क्विकनिंग क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर फेल्ट करती है, मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, इसको हमने क्विकनिंग बोला। तो क्विकनिंग जो है वो कब होता है? 12, 14, 16 और 18 वीक। याद रखिएगा, क्विकनिंग जो है वो प्रेगनेंसी एक साइन है और पहली बार मदर जो फीटल मूवमेंट फील्ट करती है उसका टाइम होता है 18 वीक। तो डी यहां पे करेक्ट आंसर था, ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। क्विकनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो वैसे तो 16 से 18 वीक होता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम एक ही सवाल में पूछे तो 18 होगा, 16 नहीं होगा, याद रखिएगा। तो 18 वीक यहां पे करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट वन। ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट। जो ऑप्शन में 18 हो तो जवाब 18 बनेगा, 18 ना हो और 16 और 20 होता तो 16 जवाब बन जाता है ना। तो यहां पे करेक्ट आंसर 18 वीक होगा और इसी को हम वेलकम साइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग। डाइंग की जो 5 स्टेज है जिसको कुबलर रोस जो नाम के भाई साहब थे, कुबलर रोस, उन्होंने बताया था। और इसको आपको पता हो तो हमने पढ़ा था दाबदा। क्या पढ़ा था? दाबदा के नाम से जाना। डी का मतलब हमेशा डेनाइल होता है, ए का मतलब हमेशा एंगर होता है, बी का मतलब हमेशा बार्गेनिंग होता है, डी का मतलब हमेशा डिप्रेशन होता है और ए का मतलब हमेशा एक्सेप्टेंस होता है। क्या होता है? एक्सेप्टेंस। तो दाबदा जो है वो साइन कुबलर रोस ने बताया था क्राइसिस वाली कंडीशन में डाइंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और ये साइन सारे के सारे, जिसमें सबसे पहले डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो ये कहां पे है? डेनाइल, पहले एंगर गलत है, डिनाइल है, डिप्रेशन, सीधा डिप्रेशन नहीं आएगा, डिप्रेशन पहले आ गया ये भी नहीं होगा।
क्योंकि ये सीक्वेंस ही नहीं बन रही है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, अर्ली साइन भले ही पूछा हो, जब 18 वीक ऑप्शन में होता तो 18 आएगा। अर्ली का मतलब ये नहीं होगा कि 16 पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, ये मतलब नहीं होता अर्ली का। फिर बता रहा हूं मैं, अर्लीएस्ट भले ही पूछो, यहां पे नॉर्मली होता है जो है 18 से 20 वीक, लेकिन अगर ऑप्शन में 18 ना और 16 20 हो तब 16 चूज करते हैं, क्योंकि 20 बहुत लेट है, लेकिन 18 इज अर्लीएस्ट, तो 18 ही होगा उसका जवाब, 16 नहीं होगा दोस्त। फिर बता रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, दैट इज करेक्ट वन। डी यहां पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बताया, कौन सा गैस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है भोपाल गैस डिजास्टर के अंदर? जब भोपाल गैस डिजास्टर हुआ तो कौन सी गैस उसके लिए जिम्मेदार थी? पहला इथाइलिन, दूसरा मस्टर्ड, तीसरा मेथाइल आइसोसाइनेट, चौथा मैग्नीशियम आइसोसाइनेट। बहुत ज्यादा फेमस ये ट्रेजिडी हुई थी, भोपाल गैस कांड, और उसके उस ट्रेजिडी के अंदर, भोपाल गैस ट्रेजिडी के अंदर जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट। आपको पता हो तो सी यहां पे करेक्ट आंसर था, जनरल साइंस का क्वेश्चन था, भोपाल गैस के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी, दैट इज मेथाइल आइसोसाइनेट। तो सी करेक्ट आंसर था, ए बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट थे। अगला क्वेश्चन, मैस्वेन साइन किसके अंदर देखने को मिलता है? मैस्वेन साइन जिसको क्रैक पोर्ट साउंड के नाम से जानते हैं, क्रैक पोर्ट साउंड, याद रखिएगा, क्रैक पोर्ट साउंड जो होता है वो सीएसएफ के ब्रेन में, हेड में, वेंट्रिकल्स में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से आता है, और इस कंडीशन को हाइड्रोसिपलस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? हाइड्रोसिपलस, ए यहां पे करेक्ट आंसर है, इसको हाइड्रोसिपलस के नाम से जानते हैं। मेनिनजाइटिस ये नहीं होता, मेनिनजाइटिस के साइन में नकल रिजिडिटी, पॉजिटिव कर्निंग और पॉजिटिव ब्रूट जींस की साइन होता है, और अपेंडिसाइटिस ये नहीं होता है, उसमें आपका जो है राइट इलाइक फोसा के अंदर जो है एडिमा होता है, और मैकबर्नीज पॉइंट उसको बोला जाता है, और सेरिब्रल पाल्सी ये नहीं होता है, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है वो कॉमन देखने को मिलती है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ये था, दैट इज योर हाइड्रोसिपलस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायुरेटिक शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम? डायुरेटिक का समय कौन सा रहता है? डायुरेटिक वो है जो यूरिन आउटपुट को डबल कर देती है, तो उसका सही समय होता है सुबह सुबह देना होता है, ताकि मरीज की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो डायुरेटिक हमेशा दिया जाता है अर्ली मॉर्निंग के अंदर। क्लियर सा कंसेप्ट था, सीधा सा सवाल था, यूरिन आउटपुट को डबल करने वाली ड्रग किस समय देंगे? तो जवाब था उसका अर्ली मॉर्निंग, ए करेक्ट आंसर है। आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट के अंदर डायुरेटिक नहीं देना होता है। अगर उसकी बीडी डोज है तो एक सुबह 6 बजे और एक दोपहर के समय दे दो, शाम को या रात को डायुरेटिक कभी भी नहीं दिया जाता है, मरीज की नींद में व्यवधान पैदा करेगा। एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है सही? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नोट का क्वेश्चन था, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है, मिनिमम हाइट ऑफ रूफ शुड बी 10 फीट। यह बात ठीक है कि छत की जो मिनिमम हाइट है वो 10 फीट होना ही चाहिए, नहीं तो घर सर अड़ेगा, है ना, ज्यादा छोटी कर दी तो छत इतना ऊपर तो होना ही चाहिए कि एक आदमी जिसका हाइट 5-6 फीट है और हाथ ऊपर करे तो छत के टच ना हो, इतना तो होना ही चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विंडो, एक कमरे के अंदर 2 खिड़कियां तो कम से कम होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सत्य है, और ऐसा ही किया जाता है, एक कमरे में 2 खिड़की लगभग होती होती है और एक दरवाजा होता ही होता है। विंडो शुड बी एट 3 फीट इन द वॉल ऑफ द रूम, रूम की जो दीवार है उसमें 3 फीट की ऊंचाई की जो वॉल है उसकी 3 फीट की विंडो होनी चाहिए, ऐसे नहीं छोटा सा विंडो बना दिया 1 फीट का, तो 3 का तो होना ही होना चाहिए, तो यह भी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा था एवरी रूम शुड हैव 2 6-फीट हाइट, हर रूम के अंदर वहां पे 2 जो है दरवाजे होने चाहिए, 2 गेट, एवरी रूम शुड हैव 2 6-फीट हाइट डोर, तो 2 6-फीट हाइट के डोर वहां पे होने चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, 2 डोर 6 फीट हाइट के नहीं होने चाहिए, इसलिए 2 डोर की जरूरत नहीं है। डी यहां पे करेक्ट आंसर था, नोट का क्वेश्चन था, ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल था द मैन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा अल्जाइमर डिजीज का? आपको बताओ तो अल्जाइमर डिजीज जो होती है वो और डिमेंशिया 2 ऐसी बीमारी है जो ओल्ड एज के अंदर पाई जाती है, और साइकेट्री के अंदर इन दोनों डिजीज को हम पढ़ते हैं, ये बुढ़ापे का डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, तो उसमें मैन क्लिनिकल साइन क्या रहेगा? अर्ली मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस, होल मेमोरी लॉस। तो याद रखिएगा अल्जाइमर डिजीज में कभी भी होल मेमोरी का लॉस नहीं होता है,
अल्जीमर डिजीज में जिस मेमोरी का लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। अल्जीमर डिजीज में जो मेमोरी लॉस होता है वो मेमोरी लॉस कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। कौन सी मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर दो मेमोरी आती है, जो है अर्ली मेमोरी होती है, रिसेंट मेमोरी होती है और रिमोट मेमोरी होती है। रिमोट मेमोरी होती है, याद रखिएगा। तीन मेमोरी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अर्ली आती है, रिसेंट आती है और रिमोट आती है। तो याद रखिएगा, वैसे तो नॉर्मली हम कहीं भी पढ़ते हैं तो अल्जीमर डिजीज जो होती है उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिसेंट भी आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में अर्ली भी आती है और रिमोट भी आती है। यहां पे क्वेश्चन में अर्ली मेमोरी भी लिखा है, रिमोट रिसेंट भी लिखा है, अर्ली एंड रिसेंट दोनों लिखा हुआ है। तो एक नजर में देखने में लगता है कि आंसर क्या होगा, एक नजर में देखने में लगता है रिसेंट होगा, लेकिन याद रखिएगा रिसेंट और अर्ली और रिसेंट दोनों ही लॉस हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अल्जीमर के अंदर कि जो मेमोरी लॉस होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। शॉर्ट टर्म के तीन टाइप होते हैं, तो तीनों ही लॉस होगी, अर्ली भी होगी, रिसेंट भी होगी और रिमोट भी होगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस नहीं होती है, शॉर्ट टर्म होती है। इसलिए करेक्ट आंसर सी रहेगा, अर्ली और रिसेंट दोनों मेमोरी का लॉस हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा अगर दिमाग काम में लिया तो करेक्ट होता, नहीं तो हमें सही लगता नहीं नहीं बी सही है। इसलिए हमने थोड़ा रुका नहीं, थोड़े देखे नहीं, हमने टुकड़े नहीं किए मेमोरी के। अगर अपन मेमोरी के टुकड़े कर देते तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। यही होता है, ध्यान की कीमत होती है एग्जाम में। आपने किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा, कैसे ऑप्शन को पढ़ा, कैसे समझा, वही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्विक्स का कंप्लीट डायलेटेशन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का खत्म होना और सेकंड स्टेज का स्टार्ट होना कहलाता है, और ये जो सर्विक्स का कंप्लीट डायलेटेशन है वो आंसर कौन सा रहेगा? 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन। सर्विक्स कंप्लीट कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है? 10 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, सी यहां पे करेक्ट आंसर था। ए बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट था। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यहीं पर खत्म होती है। क्लियर हो गया। अगला था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब आपके जो डाटा है उसकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो, रिपोर्टिंग अच्छी हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक साइन पूछा है। पहला, एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कंसिस्टेंस होना चाहिए, बहुत आराम से स्पष्ट लिखा होना चाहिए। और थ्रोनेस होनी चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा और सही सही लिखा होना चाहिए। तो एक्यूरेट लिखा होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, सही लेटर वहां पे होने चाहिए। इसका मतलब ये सारा का सारा सही है, डी करेक्ट आंसर है। गुड रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स के ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, तो डी यहां पे करेक्ट आंसर था। ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, क्लियर सा मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल था कि प्रिंसिपल पूछा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। पीडियाट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया था, और उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, सही स्टेटमेंट के बारे में आपको पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। चार पांच प्रिंसिपल पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, सिपेलो क्वाडल, प्रोक्सिमो डिस्टल, यूनिक, इसके अलावा जो है जनरल टू स्पेसिफिक और कंटिन्यूअस। ऐसे पांच प्रिंसिपल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। दो प्रिंसिपल यहां पे मेंशन थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज सिपेलो क्वाडल। देखिएगा, एक प्रिंसिपल तो मेंशन था सिपेलो क्वाडल, इसका मतलब ये प्रिंसिपल होता है। एक मेंशन था प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, ये भी प्रिंसिपल होता है, मतलब सिपेलो क्वाडल भी होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल भी होता है। पहला और दूसरा दोनों ही प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। क्वेश्चन में बोला था कि करेक्ट क्या है, तो एक पहला करेक्ट है, नहीं सिर्फ दूसरा करेक्ट है, नहीं बहुत वन एंड टू आर करेक्ट, यस इट इज। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी था, जो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे क्या था, सी था। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आई थिंक आप सभी लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे से हैंडल किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या था कि आपको मैच करना था फर्स्ट को सेकेंड से, करेक्ट आंसर को कोड यहां पे दिया हुआ था और आपको करेक्ट मैचिंग करना है, पहले को दूसरे से करेक्टली क्या करना है आपको यहां पे मैचिंग करना है, ठीक है। अब देखिएगा, नहीं नहीं भाई, डिस्टल टू प्रोक्सिमल किसने बता दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा प्रोक्सिमल टू डिस्टल होता है। एक बच्चा पैदा हुआ उसका हाथ इतना है तो हाथ ऐसे बढ़ेगा ना कि ऐसे बढ़ेगा, डिस्टल टू अगर प्रोक्सिमल बढ़ेगा तो हाथ तो गायब हो जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर, तो डिस्टल टू प्रोक्सिमल नहीं होगा, प्रोक्सिमल टू डिस्टल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं है। अगला ये देखो, इनएडिक्वेट लाइट, एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव जो है वाइब्रेशन, हियर इज ए ऑप्शन इज वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन इज द ऑप्शन, एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड हाई प्रेशर अंडर वाटर, चार ऑप्शन लिखे हुए। अब देखिएगा, इनएडिक्वेट जब लाइट होती है उसका संबंध कौन सी बीमारी से है,
और जो है एक्सेसिव साउंड हो तो क्या होता है, और हाई प्रेशर हो, वाइब्रेशन हो तो क्या होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिएगा, मिनर्स निस्टग्मस एक बीमारी यहाँ पे होती है, मिनर्स निस्टग्मस। मिनर्स निस्टग्मस का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट लाइट होती है तो मिनर्स निस्टग्मस नाम की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक्सेसिव साउंड होता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। एक्सेसिव वाइब्रेशन जब होता है और हाई प्रेशर अंडर वाटर होता है, तो जब वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो यहां पे पेरिफ्री है उसके अंदर पैलरनेस होती है और इसको रिनॉट्स डिजीज कहते हैं। और हाई प्रेशर अंडर वाटर जो है उसकी वजह से कैसन्स डिजीज होती है, जब प्रेशर चेंजेज होते हैं और वाटर में हाई प्रेशर हो और बाहर की तरफ कम हो, तो ये जो चेंजेस प्रेशर चेंजेस से कैसन्स नाम की बीमारी वहां पे देखने को मिलती है। तो ये जो चार तरह के प्रॉब्लम थी इनको हमने मैच करना था, तो ए का क्या होगा तीसरा, तो याद रखिएगा ए का तीसरा यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है जो बी है, बी का होगा पहला, तो बी में देखो पहला यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो हट गए, तो सी और डी तो यहां पे नहीं लगेगा। फिर सी जो है इसका लिखा हुआ है दूसरा, तो सी के अंदर दूसरा यहां पे लिखा हुआ है बी में, यहां फोर है इसलिए, इसलिए ए भी हट गया। तो अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर यहां पे भी क्या हो गया, बी हो गया। और मैंने एक ट्रिक आपको बताई कि इस एग्जाम में कुछ भी समझ में ना आए तो बी यहां पे करेक्ट आंसर था, यानी इस एग्जाम में कुछ भी समझ में ना आए तो बी यहां पे करेक्ट आंसर था, तो आंसर यहां पे भी बी ही निकला आखिरकार। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है, पानी से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है। पहला लिखा हुआ मीजल्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और कोलेरा। तो आपको पता है कि टाइफाइड और कोलेरा दोनों तो डायरियल डिजीज है, भाई टाइफाइड और कोलेरा जो है ये भी डायरियल डिजीज है, इसमें डायरिया होता है और ये भी एक डायरियल डिजीज है, और एक के अंदर जो है पी सूप स्टूल होता है और एक में राइस वाटर स्टूल होता है, कोलेरा में राइस वाटर स्टूल होता है और टाइफाइड में पी सूप स्टूल होता है, पी सूप, और एक के अंदर क्या बोला राइस वाटर, तो ये दोनों तो डायरियल डिजीज है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए ओरोफिकल रूट से ही होती है, तो गंदे पानी और वाटर से होने वाली बीमारी जो है ये तीनों तो होती है। आपको सवाल ने पूछा है कौन सी नहीं होती है, तो मीजल्स कभी भी डायरियल डिजीज नहीं है, मीजल्स डायरियल डिजीज नहीं होती है, ये वायरल डिजीज है। तो ए यहां पे करेक्ट आंसर है, मीजल्स ओरोफिकल रूट से नहीं होती है, मीजल्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इंफेक्शन से होती है, वायरल डिजीज है, ये करेक्ट आंसर है। निमोनिया होता है इसके अंदर जो कि डेंजरस है बच्चे के लिए, ये इंपॉर्टेंट था, ए करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्मली कौन सी दवाई यूज की जाती है प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, प्यूपिल को डायलेट करना मतलब माइड्रियासिस और उसका कॉन्स्टिक्ट होना मियोसिस, तो इसको हम माइड्रियासिस के नाम से जानते हैं। और माइड्रियासिस जो है वो कौन सी ड्रग करती है, ये क्वेश्चन है पूछा है, जेंटामाइसिन एमाइनोग्लाइकोसाइड है, एंटीबायोटिक है, कोई माइड्रियासिस नहीं करवाती है। ट्रोपिकामाइड जो दवाई है ये प्यूपिल के डायलेटेशन के लिए काम में ली जाती है, तो प्यूपिल को डायलेट करने वाली दवाई जो है वो ट्रोपिकामाइड है, और ये इफेक्ट जो होता है वो सिंपैथेटोमिमिक इफेक्ट कहलाता है। कौन सा, सिंपैथेटोमिमिक, सिंपैथेटोमिमिक, थेटोमिमिक मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला इफेक्ट होता है ये। लिवोफ्लोक्सासिन एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटीबायोटिक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवाई है, ये भी जवाब नहीं होगा। और बीटा मेथाजोन एक स्टीरोइड दवाई है, कैसी दवाई है, स्टीरोइड, इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो इतना ईजी क्वेश्चन था, पीपल को डायलेट कराना था, माइड्रियासिस कराना था, टोपिकामाइड उसका करेक्ट आंसर था, ए बी और सी तीनों ही गलत, ए सी और डी गलत स्टेटमेंट है, अगेन योर आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन था, जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेंट, कंप्यूटर के अंदर जो जिप फाइल होती है वो क्या चीज कंटेन करती है, क्वेश्चन बहुत इजी था, फटाक से जवाब लिखिएगा, जिप फाइल। जिप फाइल, कंप्यूटर में एक जिप फाइल बनती है, बहुत सारे जब डाटा का कलेक्शन होता है तो एक जिप फाइल बनाई जाती है, वो क्या कंटेन करती है, पहला है डाटा दैट हेल्प इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रॉन्ग वन, ग्राफिकल इमेज यहां पे नहीं रहेगा, कॉपी ऑफ ए फाइल फॉर इमरजेंसी ये भी नहीं रहता। जिप फाइल जो है वो यूज डाटा को कंप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है, तो यूज डाटा इन ए कंप्रेस फॉर्म जिप फाइल वहां पे काम में ली जाती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। जिप फाइल बनती है बहुत ज्यादा डाटा को कंप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा पार्ट है यूट्रस का जो लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन, यूट्रस का वो पार्ट जिसको लिविंग लिगेचर के नाम से जानते हैं, दैट इज योर मिडल लेयर मायोमेट्रियम। तो यहां पे पेरीमेट्रियम, दूसरा
दूसरा यहाँ पे एंडोमेट्रियम, तीसरा मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम और चौथा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। तो याद रखिएगा हमने पढ़ा है कि ये जो है मिडल लेयर मायोमेट्रियम को MM मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस के नाम से जानते हैं, दिस इज द मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, हमारे ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं तीन होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आपको पूछा फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी जो है एक फॉर्म्ड एलिमेंट है और इस डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल कितने नंबर होते हैं एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर, 4.5 से 6.5 मिलियन जो होती है वो आरबीसी होती है, क्या होती है आरबीसी, 2 से 4 मिलियन जो है वो कोई भी सेल नहीं होती है, 4,000 से 6,000 जो है ये कम है नंबर, एक्चुअली में हमारी डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है लेकिन 4 से 11,000 इसका नॉर्मल नंबर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था आपका डी था 4 to 11,000 ये पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है डब्ल्यूबीसी के नंबर होते हैं, याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है आरटीपीसीआर को किस टर्म से डिनोट करते हैं, तो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं रिवर्स होता है, क्या रिवर्स, आर का मतलब है रिवर्स, टी का मतलब है ट्रांसक्रिप्टेज, पी का मतलब है पॉलीमरेज और फिर चैन और रिएक्शन, तो यहां पे करेक्ट आंसर था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, बी यहां पे करेक्ट आंसर था आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म, रेज टाइम नहीं होगा और नन ऑफ द अबव नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों बी था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन आरटीपीसीआर, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यह टेस्ट काम में लिया जाता है। सवाल था कि आपको मैच करना था फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और आईक्यू की रेंज दी हुई थी और ये मेंटल रिटार्डेशन के अंदर हम असेस करते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर, याद रखिएगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो है उसको इडियट कहते हैं जिसमें 20 और 24 से भी कम हो जाता है आईक्यू, मोरन बोलते हैं जब ये 70 और 50 के बीच में होता है इसको मोरन कहते हैं, इम्बेसाइल इसके बीच का होता है जिसके अंदर 25 से 49 होता है और नॉर्मल जो होता है वो 90 से 110 होता है। तो यहां पे ए का बन गया आपका थर्ड, ए का थर्ड यहां पे दिया हुआ है एक ही ऑप्शन में देखो सीधा का सीधा, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बी का बन गया सेकंड, सी का बन गया फर्स्ट और डी का बन गया फोर्थ, तो सीधा का सीधा आपका कौन सा आंसर बन गया सी बन गया, सिर्फ आपको मिलान किया करना था आईक्यू से क्वेश्चन आया था और कितनी ही बार हम लोगों ने इसको मिलकर डिस्कस किया था और आप लोगों ने बिल्कुल सही भी किया है, इस बात में कोई वहां पे आपको जो है ध्यान होगा आपको कि आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। ए परसिस्टेंट रेजिस्टेंस क्रेजीनेस ऑफ ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम इज नोन एज, फोटो के साथ में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी क्लास में, हमने इसको फोटो के साथ में पढ़ा था और इसको हम क्या बोलते हैं पाइका, क्या बोलते हैं पाइका, ए यहां पे करेक्ट आंसर है। एन्यूरेसिस नहीं कहते हैं, एनकोपेरेसिस और सोमनाबुलिज्म नहीं कहते हैं, एन्यूरेसिस और एनकोपेरेसिस यूरिन का अंदर ही पास करना जिसको हम बैड वेटिंग बोलते हैं और एनकोपेरेसिस जो है वो स्टूल को अंदर ही पास कर देना 5 साल की उम्र के बाद में यूरिन और ये होता है आपका स्टूल फिकल मैटर उसको पास करना एनकोपेरेसिस से संबंधित है और सोमनाबुलिज्म नींद में चलने से संबंधित है, तो ए यहां पे करेक्ट आंसर था पाइका, यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट था। इंडिया के अंदर डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन एनी डे आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में इंडिया में डेथ का रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन, कब डेथ का रजिस्ट्रेशन करते हैं याद रखिएगा दो रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक तो बर्थ का रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है एक डेथ का पूछा जाता है, बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 14 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, डेथ का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 7 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, ये तो दो यूनिक बातें हैं, बर्थ का रजिस्ट्रेशन के लिए 14 डेज होते हैं और डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए 7 डेज होते हैं, ये दो बातें हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं दिया मतलब आपको इन दोनों का एक साथ पूछा जाएगा तो 21 दिन इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, तो यहां पे 7 भी है 14 भी है और 21 भी है, जब ऑप्शन में 21 हो तो जवाब 21 होता है, अगर 21 ऑप्शन में नहीं होता तो जवाब कितना होता है 7 डेज, तो डेथ का रजिस्ट्रेशन यहां पे पूछा है तो हमें चूज क्या करना है 21 डेज क्योंकि ऑप्शन में 21 डेज है और ये एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है, तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है ए नहीं होगा बी और डी नहीं होगा। हां डेथ का रजिस्ट्रेशन 7 होता है लेकिन यहां पे 7 चूज नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज,
पीपीएच का सबसे मुख्य कारण क्या है? 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होना पीपीएच कहलाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसका सबसे मुख्य कारण है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, एटोनिक यूट्रस, ट्रोमा और ब्लड कोएगुलोपैथी, चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए। और पीपीएच का सबसे मोस्ट कॉमन कारण है यूट्रस का टोन चला जाना, इसको हम एटोनिक यूट्रस के नाम से जानते हैं। ए यहां पे करेक्ट आंसर है। ट्रोमा भी होता है, ब्लड कोएगुलोपैथी भी होता है, तो रिटेन प्लासेंटा भी होता है, लेकिन एटोनिक यूट्रस यहां पे करेक्ट आंसर जाएगा, ए करेक्ट आंसर था। इंडिया कौन से रीजन के अंदर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, WHO में इंडिया कौन से रीजन में आएगा? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया एशिया में आता है, सिंपल सा कंसेप्ट था। तो एशिया रीजन जो है वो इंडिया का बनेगा, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप यहां पे नहीं बनेगा। डी यहां पे करेक्ट आंसर था, इंडिया कौन से रीजन में आता है? एशिया के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन थे एक को छोड़ के, तो टॉन्सिल लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन होता है, थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, लेकिन पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है, लिम्फेटिक का पार्ट नहीं होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या था? पैनक्रियाज। जीआई सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करती है, मैक्सिमम काम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पैनक्रियाज का। अगला सवाल था, व्हाट डू यू मीन बाय की लॉगर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में की लॉगर का क्या मतलब है? सीधा क्वेश्चन, जो हम कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड काम में लेते हैं, कीबोर्ड में जो हम टाइप करते हैं उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो की लॉगर कहलाता है। तो की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि लॉगिंग करता है कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू। तो कंप्यूटर को, कीबोर्ड को कंप्यूटर में लॉगिन करने का काम की लॉगर करता है। बी, सी और डी यहां पे गलत स्टेटमेंट है, ए यहां पे करेक्ट आंसर है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, और ए यहां पे करेक्ट आंसर था, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। अगला यहां पे लिखा हुआ है कि मैच करना था एक दूसरे को यहां पे भी, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहला है इनइवाइटेबल अबॉर्शन, दूसरा है टिटेनिक कॉन्ट्रेक्शन, तीसरा लिखा हुआ यहां पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, और चौथा है ऑक्सीटोसिन। उधर लिख दिया कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, दूसरा हिमोलाइटिक डिजीज, तीसरा रप्चर ऑफ यूट्रस, और चौथा यहां पे लिखा हुआ है डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो यहां पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हिमोलाइटिक डिजीज जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस को बोलते हैं। सर्विक्स का डायलेटेशन कब होगा? जब ऑक्सी जो है मतलब ऑक्सीटोसिन हम देते हैं तो देर इज मोर संभावना कि मरीज में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा और यूट्रस के रप्चर होने की संभावना है। टिटेनिक कॉन्ट्रेक्शन जब होते हैं तो यहां पे यूट्रस के रप्चर होने की संभावना रहती है। ऑक्सीटोसिन सर्विक्स को डायलेट करता है, और इनइवाइटेबल अबॉर्शन जो होता है इससे संबंधित, ये चार अलग अलग बातें यहां पे, तो आपको मिलान यहां पे करना था, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यूट्रस का रप्चर होना इनइवाइटेबल अबॉर्शन, कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग, ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं जो है यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए, और यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो है यहाँ पे जो है आपका ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। इनइवाइटेबल अबॉर्शन जो है उसमें डायलेटेशन होगा सर्विक्स, अबॉर्शन में सर्विक्स का डायलेटेशन, और टिटेनिक कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यूट्रस के रप्चर होने की संभावना है। तो ऑप्शन ए जो है उसको किससे मिलान कर दो? चौथे से, तो ये आ गया आपका चौथा, यहाँ कहीं है? कहीं भी नहीं है। फिर ऑप्शन बी है उसको किससे मिलान कर दो? तीसरे से, तो ये तीसरा हो गया आपका रप्चर ऑफ द यूट्रस। ऑप्शन सी है उसको मिलान कर दो दूसरे, तो ये आपका दूसरा हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो हिमोलाइटिक है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन ए है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, यही सीक्वेंस सेट होगी, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर क्या बन गया? ए बन गया। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक है एक को छोड़ के, तो शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, और जब शहरों में जनसंख्या ज्यादा होगी तो हाई डेंसिटी, टोटल जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हेटेरोजेनेसिटी होती है, तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में खेत ज्यादा होते हैं, लोग कम होते हैं, और सेम जाति के लोग रहते हैं ज्यादातर गांव में। एनोनिमिटी होती है, वहां पे अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, अजनबी होती है एक दूसरे के, ये बिल्कुल होता है शहरों में। लेकिन क्या नहीं होता है? एक्सेप्ट था एक को छोड़ के, तो किसको छोड़ के? एग्रीकल्चर का काम शहरों में नहीं होता, एग्रीकल्चर का काम कहां होता है? गांव में होता है, ये रूरल सोसाइटी में होता है, ये अर्बन सोसाइटी में नहीं होता है। डी यहां पे करेक्ट आंसर था, ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट थे। कौन सी दवाई जो है वो रेड कलर, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, यूरिन का कलर लाल कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से हो जाएगा? तो सबको पता है ये तो रिपाम्पिसिन करता है, जिसके डर से कांपता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और ये यूरिन के कलर को रेड कर देती है, एकमात्र दवाई जिसको एम्प्टी स्टोमक देते हैं और यूरिन के कलर को लाल कर देती है।
अगला है, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी जो एक्ट है वो कौन से ईयर में पास हुआ था? तो हम सबको पता है इसका पासिंग ईयर जो है वो 1971 है, 1971 एमटीपी एक्ट पास हुआ था। कितने दिन में लाइफ स्पान होता है आरबीसी का? आरबीसी का लाइफ स्पान क्या रहता है? 80, 100, 120 और 150 दिन। याद रखिएगा आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 डेज एडल्ट के अंदर, और बच्चों में होता है 60-80 डेज। हमें पता है 60-80 डेज बच्चों में, 120 दिन किसमें होता है? एडल्ट के अंदर होता है। व्हाट इज द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसिजन? बच्चों में पहला इरप्ट होने वाला टीट होता है लोअर सेंट्रल इंसिजन, और सबसे पहले इरप्ट होता है 6 महीने पे। तो यूजुअल टाइम रहता है 6-8 मंथ। बी यहां पे करेक्ट आंसर है, 2-3, 10-12 और बिटवीन 1-2 ईयर यहां पे नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। और ये आंसर क्या रहेगा यहां पे? 6-8 मंथ। तब क्या होता है? लोअर सेंट्रल इंसिजर जो है उसका क्या होता है? इरप्शन होता है। विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर? जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा रहेगा? सीरोटोनिन एंड मिलेनिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेशन, थायरोक्सिन एंड एड्रिनलिन, और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। सिंपल सा कंसेप्ट है, मेल हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन और फीमेल हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन, और ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसान सा क्वेश्चन था, डी करेक्ट आंसर था, ए बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट थे। क्लियर है? तो डी इज द करेक्ट वन, एंड इट्स एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। तो होप सो आप लोगों ने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। जितने भी क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस जो नर्सिंग के पोर्शन से थे उन सारों को हमने यहाँ पे आपको बता दिया। आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे ढूंढ के डिफाइन करके और बहुत एग्जैक्टली जो आंसर उसका होना चाहिए अपने जो है हमने अपनी बुद्धि को यूज़ में लेके अपनी 100% तरीके से उसको सही आपको बताने की पूरी कोशिश की। हो सकता है कि इंसानी जो है दिमाग है, गलती सबसे होती है, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको एकदम बेस्ट और एकदम एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करें ताकि आप आइडिया लगा पाए कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। तो ये आपका जो है स्टैंडिंग है। मेरिट क्या रहती है? डोंट मैटर। सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? डोंट मैटर। हमने बहुत अच्छा पढ़ा और हमने पढ़ के बहुत अच्छे से पूरे पेपर को दिया। हमने पूरा थ्योरी पढ़ा पेपर का, हमने सारे एमसीक्यू जो है एक एक सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किए, और हमने जो पढ़ा पेपर उसी में से आया, उस बात का फक्र है। और उस बात का फक्र है इसलिए हमने आज कॉलर भी जो है ऊंची वाला शर्ट पहना है, जिसमें कॉलर ऊंचा भी ना करना पड़े। हमने ऐसा शर्ट पहना है जिसमें कॉलर ऊंची रहती है, क्योंकि हमने काम उस तरीके का कर ही दिया है आज। और आप सभी लोग अपनी कॉलर को ऊंचा कर सकते हैं और फक्र महसूस करते हैं और अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं कि आपने बेहतरीन किया है। रिजल्ट से हम नहीं डरते हैं, ये एक एग्जाम अच्छा किया है, अगला इससे भी अच्छा देंगे, उससे अगला इससे भी अच्छा देंगे। हमें खुद पे विश्वास है, हम खुद कर सकते हैं, हम बेहतरीन करेंगे। हम हर एग्जाम में इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, हर एग्जाम को बेहतरीन डील करेंगे। हम डरते नहीं है, या तो हम सीखते हैं और या हम जीत जाते हैं। दो ही चीजें हैं, हारने का हमारे जिक्र में नहीं है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और संघर्ष को पूरी दुनिया सलाम करती है। आपका संघर्ष, आपने इतने महीनों से बहुत शानदार तैयारी की इस पेपर की, और उस पेपर का परिणाम आज आपको एग्जाम देके पता चला होगा। आपने कुछ गलतियां की होगी, हो सकता है पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्जाम के दौरान आपसे कुछ गलतियां हुई होगी। हो सकता है आपके कुछ लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ लोगों के नंबर कम आ रहे हैं। बहुत अच्छे आ रहे हैं उनको खुशी का दिन है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एक एग्जाम था। इस एग्जाम से भी हम सीखते हैं। मैंने चलना भी पहली बार तब सीखा था जब मैं सबसे पहली बार गिरा था। मैं गिर गिर के अगर चलना सीखता हूं तो मैं इसी तरीके से गलती कर करके सही करना सीख जाऊंगा। एक एग्जाम में कुछ गलतियां हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला एग्जाम भी खराब होगा। इसका मतलब ही कि अगला एग्जाम मैं जबरदस्त दूंगा, क्योंकि इस एग्जाम से मैं बेहतरीन लर्न कर चुका हूं। तो इस पेपर को इवेलुएट करें, अपनी गलतियों में सुधार करें, अपने नंबर का इवेलुएशन करें। आपके नंबर बेहतरीन है, आपका एग्जाम का रिजल्ट का आपको वेट करना है, और अपनी डबल स्प्रिट के साथ में अगले एग्जाम के लिए भी लग जाना है, क्योंकि हमारी गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम क्लियर नहीं कर देते, क्योंकि हमने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। हमने
उनसे वादा किया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए और जीत के ही दम लेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बधाई, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा एंड वी विल डू बेस्ट इन नेक्स्ट फ्यूचर पेपर्स। इसी के साथ में आज का ये सेशन हम यहीं पे देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।